नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ रहे हैं, और उसमें हमारा जो टॉपिक इस टाइम जो चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकेट्री। तो आज हम टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकेट्री के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करवाता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में। दोस्तों, मैंने आपको किस प्रकार से पढ़ाया है, जिस बच्चे ने पहली और जो दूसरी जो वीडियो है वो नहीं देखी, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियोस देख लीजिए, तभी आपको पूरी जो चीज़ है वो याद रहेगी। आप समझ जरूर जाओगे इस वीडियो को देखकर, लेकिन आपको चीज़ें रटेंगी नहीं, याद नहीं रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको याद रखना है तो आपको सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा, और उस सिस्टमेटिकली चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले की जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग आपको आना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि जो ह्यूमन जो बिहेवियर होता है ना, उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। शुरुआत आप यहाँ से किया करो, टर्मिनोलॉजी को कभी भी याद करो तो ह्यूमन बिहेवियर पर आया करो। और आपको मैंने ये पहले से बता रखा है कि ह्यूमन बिहेवियर में सिर्फ तीन ही प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। एक जो एक्टिविटी होती है दोस्तों, कोनेशन होती है, जिसे हम साइको मोटर एक्टिविटी या मोटर एक्टिविटीज के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम किस नाम जानते हैं, डूइंग एक्टिविटीज के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो एक्टिविटी होती है दोस्तों, दैट इज कॉग्निटिव एक्टिविटी, या कॉग्निशन के नाम से जानते हैं। तो कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज है दोस्तों, इसे हम नोइंग के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे प्रकार की जो एक्टिविटी होती है दोस्तों, इसे हम अफेक्ट के नाम से जानते हैं, अफेक्टिव एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इमोशंस पढ़ते हैं, फीलिंग्स पढ़ते हैं, वो अफेक्टिव के अंदर आएंगी, ठीक है। और कॉग्निटिव आएगी और कॉग्निशन। कॉग्निटिव के अंदर दोस्तों कई सारी चीजें आती हैं, जिसके अंदर आपका थिंकिंग आता है। और मैंने आपको जो ट्रिक है वो बताई थी कि आपको कैसे टॉप सीएम जिया ऐसे याद रख लो। कोई सीक्वेंस याद करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें याद रहें, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देते हैं कि इनमें से कौन सी कॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि टी फॉर थिंकिंग होता है, ओ फॉर ओरिएंटेशन होता है, पी फॉर परसेप्शन होता है, सी फॉर कॉन्शियसनेस होता है, एम फॉर मेमोरी होता है, ठीक है, इसके बाद जे फॉर जजमेंट होता है, आई फॉर इनसाइट होता है, और ए फॉर क्या होता है, अटेंशन होता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है दोस्तों, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। इनमें से जो पहली जो एक्टिविटी है दोस्तों, थिंकिंग, पहली जो एक्टिविटी है दोस्तों थिंकिंग, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है पिछली जो वीडियो है। पहली जो वीडियो थी हमारी, सबसे पहली जो क्लास थी, उस क्लास के अंदर हमने दोस्तों कॉग्निशन के बारे में पढ़ा था, और किस अफेक्टिव जो डिसऑर्डर हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की जो हमारी क्लास होगी, इसमें थिंकिंग के अलावा जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजी करवाऊंगा। दोस्तों, आज की क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना, इसको लास्ट तक देखना। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो आती है ना टर्मिनोलॉजी में, वो क्या आती है कि आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको सोल्व नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और आप क्या हो जाते हो दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसको दूर करने के लिए क्या करोगे, आप अपने डर को दूर करोगे। और डर को दूर कैसे करोगे, जब आप उसके अंदर जाओगे, किसके अंदर, जिससे आप डरते हो। अब डरते किससे हो आप, एमसीक्यू से डरते हो। तो मैं आपको बहुत सारे, मैं कम से कम आपको 50 एमसीक्यूज करवाऊंगा दोस्तों इस क्लास के अंदर, 50 एमसीक्यूज जो है उसके द्वारा टर्मिनोलॉजी का जो डर है, जो फियर है, वो मैं आपका दूर कराऊंगा। मैं वादा करता हूं कि ये जो टॉपिक खत्म होगा ना, तो लगभग आपको पूरी जो टर्मिनोलॉजीज की जो सब चीजें हैं दोस्तों, वो पता रहेगी। तो ये आप इसको, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस क्लास को अच्छे से देखना, और जो एमसीक्यूज है दोस्तों, उनको आप पोज कर करके देखना। पोज कर करके कैसे, जैसे मैं आपसे कोई भी चीज, आपसे जो कोई भी क्वेश्चन कराऊं, तो पहले खुद आंसर देना, उसके बाद में फिर उसको मैं सोल्व करवाऊंगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास हो गई है। जो बच्चा ये चाहे कि सर मैं तीनों क्लास पहले पूरी देख लेता हूँ, तो उसके बाद भी वो एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकता है। उनको रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने थ्योरी पूरी पढ़ ली है, फिर जो एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा, फिर उसको आप मेरे साथ क्या करना दोस्तों, सॉल्व करना। तो ऐसे हमारा जो ये टॉपिक है वो चलेगा। अब मैंने आपको कल थिंकिंग पढ़ाया था, थिंकिंग के हमने तीन लेवल पढ़े थे, फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल और कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल मैंने ट्रिक बताई थी फोर्ड के नाम से, PHOD। पी फोर मैंने आपको फोबिया बताया था, एच फोर मैंने आपको हाइपोकॉन्ड्रेसिस बताया था, ओ फोर मैंने आपको ऑब्सेशन बताया था, और डी फोर आपको क्या बताया दोस्तों, डिल्यूजन बताया था। मैंने बहुत सारे जो डिल्यूजन है वो आपको मैंने करवाए थे, ठीक है, जिनमें हमने पढ़ा था, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पढ़ा, परसिक्यूशन पढ़ा, रेफरेंस पढ़ा, जेलेसी पढ़ा, लव पढ़ा, सेल्फ एक्यूसेशन पढ़ा, गिल्ट पढ़ा, ठीक है। तो बहुत सारे डिल्यूजन हमने पढ़े। अब एक डिल्यूजन और बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, इसके अलावा डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर दो सिंड्रोम हमने पढ़ा था, ठीक है, कोपग्रास सिंड्रोम और फ्रीगोली सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया था, वहां तक हमने पढ़ लिया था। अब एक बस एक लाइन और लिख लो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो डिल्यूजन है वो मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी क्वेश्चन आए। मेरा दोस्तों सबसे ज्यादा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये टॉपिक खत्म करवा दूं, ये पूरे हो जाए, चाहे जितने भी टॉपिक कराऊं, लेकिन उससे अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो उसे बाहर नहीं आए, बस मेरा ये मकसद है ये टॉपिक करवाने का। तो आप जो भी टॉपिक करो उसको कंप्लीट करो। तो एक बार डिल्यूजन बस दो टाइप और लिख लो लास्ट। आप सोच रहे हो कि सर कितने करवाते, हमने बहुत सारे करवा दिए। तो डिल्यूजन में आपको बताया था फास्ट, फिक्स्ड, इरेशनल, अनशेकेबल बिलीफ होती है,
ठीक है, उसे हम डिल्यूजन के नाम से जानते हैं। दो डिल्यूजन और पढ़ लो लास्ट, बस कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। एक है दोस्तों बिजारे, बिजारे डिल्यूजन, और एक नॉन बिजारे। बिजारे डिल्यूजन का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसा डिल्यूजन दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। मतलब कोई एक कैटेगरी ऐसी नहीं है, फिक्स नहीं है, कोई भी डिल्यूजन हो सकता है उसमें, कोई भी टाइप। जैसे ग्रैंडियोसिटी में वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, किंग हूँ, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। ऐसा है ही नहीं कि वो किंग बनेगा, क्योंकि आजकल किंग का इंडिया में जमाना ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गया दोस्तों, इम्पॉसिबल हो गया। जैसे वो मान लो ये कह रहा है कि भाई कि जैसे उसका भाई है वो वहाँ पे है नहीं, ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि मेरे सामने बैठा है, तो वो दोस्तों क्या हो गया, वो उसके मतलब ये थिंकिंग हो गई उसकी कि भाई हाँ, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ क्या नहीं है दोस्तों, पॉसिबल नहीं होगा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसको कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हो, तो कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ। आपको मैं हेलुसिनेशन में और डिल्यूजन में अंतर बता दूंगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हेलुसिनेशन है या डिल्यूजन है, आप इसको थोड़ा सा क्लियर करो, जिन बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ रखा है, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों कि हेलुसिनेशन में और डिल्यूजन के अंदर क्या अंतर होता है, ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे। इसके बाद नॉन बिजारे का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई मतलब बिजारे मतलब एक तरह से अजीब होता है, ठीक है, और नॉन बिजारे तो अजीब नहीं है, मतलब पॉसिबल जो चीज़ें हैं ना वो हो सकती है। वो कह रहा है कि भाई मान लो वो ऐसे कह रहा है कि मैं है ना, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो वो हो सकता है भाई नर्सिंग ऑफिसर हो, ऐसी चीज़ें क्या है, पॉसिबल है। तो जो चीज़ें, जो डिल्यूजन क्या है दोस्तों, पॉसिबल है, जो डिल्यूजन क्या है, पॉसिबल है दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, नॉन बिजारे डिल्यूजन कहलाते हैं। और जो डिल्यूजन क्या है दोस्तों, इम्पॉसिबल है, जो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो डिल्यूजन क्या है दोस्तों, आपके बिजारे कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, बिजारे कहलाएंगे। तो ध्यान रखना, इम्पॉसिबल और पॉसिबल, बस दो वर्ड याद रखना। इसके अंदर एक शब्द है तो इसमें दो आएंगे इम्पॉसिबल, इसमें दो शब्द है तो एक आएगा पॉसिबल, ऐसे याद इसको आप रख सकते हो, तो आपको ये याद रह जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, आज हमारा ये कंटेंट खत्म हो गया। अब आपको उसमें जो सीरीज है उसमें ओरिएंटेशन आता है, ओरिएंटेशन लास्ट में पढ़ाऊंगा, जो छोटे छोटे हैं वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, बड़े बड़े हैं जो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पहले पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों परसेप्शन। तो आज जो हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो हम परसेप्शन पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हम इससे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। परसेप्शन का मतलब मैंने आपको जब शुरू में मैंने थोड़ा टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी, तब मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, आज इसको मोर डिटेल में पढ़ते हैं। परसेप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिसीविंग एनी इन्फॉर्मेशन यूजिंग सेंस ऑर्गन। कोई भी इंफॉर्मेशन दोस्तों उसको प्राप्त करना किस चीज से, सेंस ऑर्गन का यूज करके, क्या कहलाता है दोस्तों, परसेप्शन कहलाता है। आपने अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो प्राप्त की है, वो क्या कहलाएगा, आपका परसेप्शन कहलाएगा। समझने के लिए देखो, अब आपके सेंस ऑर्गन है क्या क्या, तो सबसे पहले यह देखो सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के अंदर दोस्तों पहला जैसे सेंस ऑर्गन आपका है आई, ठीक है, आई हो गया। तो आई से आप क्या करोगे दोस्तों, आई किसके काम आता है, विजन के। तो आंखों से आपने देखा वो क्या है, आपका परसेप्शन है। आंखों से आपने देखा वो आपका क्या है दोस्तों, परसेप्शन है। तो ये परसेप्शन हो गया, तो विजन, या फिर ये कौन सा परसेप्शन हो गया, विजुअल परसेप्शन हो गया। दूसरा दोस्तों ये आपकी नोज हो गई, ठीक है, This is your nose. तो nose से आप क्या करोगे दोस्तों, nose से आप क्या करोगे, smell करोगे। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, जैसे smell और olfaction, olfactory होता है ना, olfaction और smell। इसके बाद दोस्तों आपके कान हो गए, कान से आप क्या करोगे, सुनोगे। तो इस ये क्या हो गया दोस्तों, hearing हो गया, या इसे हम क्या बोलेंगे, ऑडिटरी। तो कान से आपने कोई भी चीज सुनी तो वो आपका क्या हो गया, परसेप्शन हो गया। जो भी चीज आप कान से सुनोगे वो आपका क्या हो जाएगा, परसेप्शन हो जाएगा। आंखों से जो भी चीज आप देखोगे वो आपका विजन या विजुअल हो जाएगा। और नाक के द्वारा आप कोई भी चीज स्मेल करोगे, सूंघोगे, वो ओल्फैक्शन या ओल्फैक्टरी और या स्मेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट आपकी टंग हो गई, ठीक है, टंग को एक बार बाहर निकालो ऐसे कि भाई समझ में आ जाए टंग गई है ना। ज्यादा ही लंबी टंग हो गई इसकी, तो ये आपकी टंग हो गई। तो दोस्तों टंग से क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे,
ढंग से क्या करोगे आप, टेस्ट करोगे। तो इसको हम टेस्ट बोलते हैं या इसको हम गेस्ट टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो टेस्ट का याद रखना, टेस्ट क्या होता है दोस्तों, गेस्ट टेरिटरी होता है, ठीक है। एक लास्ट बच गया दोस्तों, लास्ट आपकी क्या बच गई, स्किन बच गई, लास्ट आपकी क्या बच गई, स्किन बच गई। तो हम ऐसा चित्र बनाते हैं ना स्किन का, एपिडर्मिस डर्मिस ऐसे, तो ये स्किन हो गई। स्किन से आप क्या चीज करोगे दोस्तों, फील करोगे, ठीक है। तो आप किसको फील करोगे आप दोस्तों, टच को फील करोगे। इसके अलावा आप किसको फील करोगे दोस्तों, कोई भी आपको पिन चुभोएगा, ठीक है, तो आपको प्रेशर की फीलिंग आएगी, या फिर पेन बाय शार्प इंस्ट्रूमेंट, शार्प ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर, कोई भी आपको गर्म ठंडा चीज लगाएगा कि गर्म है या ठंडी है, तो ये सब चीज़ें किससे फील होंगी दोस्तों, स्किन से फील होंगी आपकी, किससे फील होंगी, स्किन से फील होगी। तो ये स्किन से आप क्या करोगे, टच फील करोगे, प्रेशर फील करोगे, या फिर पेन बाय शार्प ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम हैप्टिक के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज हैप्टिक। और अच्छे से इसके बारे में और बात करेंगे हम आगे। तो कौन कौन से हो गए, आंखों से देखा, तो जो भी आंखों से देखोगे वो क्या कहलाएगा, परसेप्शन कहलाएगा, दैट इज दैट विल बी नोन एज परसेप्शन। इसके अलावा नाक से आप कोई भी चीज स्मेल कर रहे हो, ओल्फैक्शन कहलाएगा, कानों से हियरिंग कहलाएगा, और टंग के द्वारा आप कोई भी टेस्ट करोगे तो गैस्ट्रेटरी कहलाएगा, और इसे हैप्टाइल या टैक्टाइल कहलाएगा ये, ठीक है। इसको हम टैक्टाइल भी बोलते हैं, टैक्टाइल, हैप्टिक और टैक्टाइल, ठीक है। तो ये पांचों चीजें से जो भी हम फील करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका परसेप्शन कहलाता है। इन पांचों के अलावा कुछ भी आएगा तो वो परसेप्शन नहीं होगा। इन पांचों से हम जो भी चीज फील करते हैं दोस्तों वो हमारा क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। तो ये सिंपल सी बात हो गई आपकी परसेप्शन की। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के, भाई परसेप्शन में क्या क्या डिसऑर्डर आएंगे, तो हम बात करते हैं अब डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन के मेनली दो डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों। एक जो डिसऑर्डर होता है वो है आपका इल्यूजन, इल्यूजन, और दूसरा जो डिसऑर्डर होता है दोस्तों दैट इज हेल्यूसिनेशन, दैट इज हेल्यूसिनेशन। बहुत बार बहुत सब बच्चों ने ये सुना होगा। इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन के अंदर मिस इंटरप्रिटेशन होता है दोस्तों। तो मिस इंटरप्रिटेशन, प्रिटेशन और मिस परसेप्शन, और मिस परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट, स्टिमुलाई को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, समझो। बहुत सिंपल है ये लाइन, अभी सेंटेंस टफ लग रहा होगा, मान लो है कुछ भी नहीं दोस्तों, आप परसीव करते हो लेकिन आपके सामने कोई चीज पड़ी हुई है, पहली चीज जरूर ध्यान रखना ये चीज, ये सेंटेंस जरूर याद रखना, प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई होगी इसमें, क्या होगा, स्टिमुलाई की क्या रहेगी दोस्तों, प्रेजेंस रहेगी, स्टिमुलाई प्रेजेंट रहेगा। अगर स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है तो वो इल्यूजन नहीं कहलाएगा। तो स्टिमुलाई की प्रेजेंस के अंदर अगर कोई भी स्टिमुलाई क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है, और उसकी प्रेजेंस के अंदर आप उस चीज को गलत क्या कर रहे हो दोस्तों, इंटरप्रेट कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा, मिस इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। तो ये जो डिसऑर्डर है क्या कहलाएगा दोस्तों, इल्यूजन कहलाएगा। सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो दोस्तों, जो रोप है ना उसको देखते हो और उसको क्या समझ लेते हो दोस्तों, उसको स्नेक समझ लेते हो, रोप को स्नेक समझ लेना। अब देखो इसमें पहली लाइन क्या थी, प्रेजेंस ऑफ, अब रोप प्रेजेंट है या नहीं है, हाँ है, सामने आपकी रस्सी पड़ी हुई है और आपने गलती से डर के उसको आपने सोचा सांप है वो, तो रोप क्या है दोस्तों, स्टिमुलाई प्रेजेंट है, स्टिमुलाई क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है, और उसको आपने क्या किया, मिस इंटरप्रेट किया, उसको क्या किया आपने, मिस इंटरप्रेट किया। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इसे हम इल्यूजन के नाम से जानेंगे, इसे हम क्या नाम से जानेंगे, इल्यूजन। कई बार इल्यूजन नॉर्मल पर्सन में भी हो सकता है, हमें भी कई बार गलत फील हो जाता है, हम किसी भी चीज को देख लेते हैं एकदम से डर जाते हैं कि यार ये है, फिर बाद में दिखता है यार ये तो ये है ये नहीं है, ठीक है, हम भी रस्सी को साफ समझ सकते हैं, तो ये कई बार नॉर्मल भी हो सकता है। तो इल्यूजन में क्या होगा, इल्यूजन के अंदर स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट,
ठीक है। रस्सी क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट, वो प्रेजेंट होगी लेकिन उसको हम दूसरे वे में लेंगे, दूसरे तरीके से लेंगे, उसको हम गलत मिस इंटरप्रेट करेंगे, हम उसको गलत इंटरप्रेट करेंगे, हम उसको, हम उसको, हमको रस्सी समझनी चाहिए थी उसको जब हमने उसको देखा, लेकिन हम उसको क्या समझ बैठे दोस्तों? उसको सांप समझ बैठे। तो ये क्या हो गया दोस्तों? मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इल्यूजन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? इल्यूजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन फॉल्स परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। क्या हुआ दोस्तों? सामने कुछ है नहीं, आपके सामने सांप नहीं है, लेकिन आपको सांप दिख रहा है। क्या है? फॉल्स है। कोई आपके सामने से बोल नहीं रहा, लेकिन आपको क्या सुन रही है दोस्तों? आवाज सुनाई दे रही है नहीं कुछ भी। अगर होगा और गलत सुनेगा तो वो इल्यूजन हो जाएगा, लेकिन है ही नहीं और वो सुन रहा है। आपके सामने कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरे सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जो कि वो है नहीं। ठीक है, आप अपने पापा को नरेंद्र मोदी समझ लो, वो आपका क्या है? इल्यूजन है। लेकिन कोई खड़ा ही नहीं है सामने और उसको आपको दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हेलुसिनेशन कहलाएगा। ऐसे ही कोई स्मेल आई नहीं रही, किसी को नहीं आ रही स्मेल, आप कह रहे हो नहीं मुझे तो पकोड़ों की स्मेल आ रही, मुझे तो पकोड़े ऐसे लग रहा है कि कोई पकोड़े तल रहा है भाई, मुझे तो स्मेल आ रही है, तो वो क्या हो गया दोस्तों? प्रेजेंस होगा स्टिमुलाई या एब्सेंट होगा। आप कहोगे सर एब्सेंट है नहीं कुछ भी, फिर भी हमें फील हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हेलुसिनेशन कहलाएगा। आपने कुछ खाया नहीं और आप क्या कह रहे हो कि मुझे टेस्ट आ रहा है कि मैं तो बर्फी खा रहा हूं। अरे भाई आपने कुछ खाया ही नहीं, फिर भी आपको टेस्ट फील हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट है या नहीं है? आप कहोगे नहीं सर, ऑब्जेक्ट इसके अंदर है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट नहीं हो और फिर भी आप उसको फील कर रहे हो, उसको आप परसीव कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? हेलुसिनेशन। आपको किसी ने थप्पड़ मारा नहीं और आप कह रहे हो अभी मेरे को किस थप्पड़ मारा है, अभी किसी ने मेरे को क्या मारा है? थप्पड़ मारा है दोस्तों। तो वो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? हेलुसिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हेलुसिनेशन हो जाएगा। तो हेलुसिनेशन के अंदर क्या होगा? फॉल्स परसेप्शन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो किस में होगा दोस्तों? एब्सेंस में होगा। कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या रहेगा दोस्तों? प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो वो स्टिमुलाई कहां से आया? वो आपके दिमाग से आया। कहां से आया दोस्तों? दिमाग से आया। इंटरनल स्टिमुलाई को आपने क्या कर लिया दोस्तों? परसीव कर लिया। आपने किसको परसीव कर लिया? इंटर स्टिमुलाई को परसीव कर लिया। आउटर स्पेस के अंदर, मतलब आपके शरीर से बाहर, आपके बॉडी से बाहर क्या है दोस्तों? कोई भी चीज क्या नहीं है? प्रेजेंट नहीं है। आपकी बॉडी से बाहर कोई भी चीज क्या नहीं है दोस्तों? प्रेजेंट नहीं है। अभी मैं इसको और डिटेल में समझाता हूं। कई बार आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो हेलुसिनेशन थोड़ा डिटेल में आएंगे, तो उनको थोड़ा सा समझते हैं। हेलुसिनेशन की क्या क्या शर्तें हैं दोस्तों? ठीक है, पहली शर्त क्या है? परसीव एज रियल ऑब्जेक्ट। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको, बिल्कुल कोई वो कहेगा ना कि मुझे दिख रहा है, तो उसको दिख रहा है सच में ही। उसको बिल्कुल ऐसा परसीव होगा कि जैसे सामने उसके है, रियल में ही है। ठीक है, उसको सस्पेंस नहीं रहेगा, उसको कोई भी सस्पेंस नहीं रहेगा, उसको पक्का लगेगा कि हाँ मेरे सामने है। उसको आवाज फील होगी तो उसको होगी ही आवाज फील। ठीक है, उसको आवाज क्या है? फील होगी ही। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वह परसीव किया उसने, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल पर्सन रियल चीज को परसीव करता है ना, तो उसको रियल में जैसे उसको दिख रहा हो, उसको ऐसा फील होगा कि भाई बिल्कुल सामने है। ठीक है, ओरिजिनल है, बिल्कुल रियल है, तो रियल ऑब्जेक्ट की तरह फील करेगा वो उसको, तो वो क्या है? हेलुसिनेशन है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर अनविलिंगनेस रहेगी। उसकी खुद की इच्छा नहीं रहेगी, वो ऐसे नहीं चाहेगा कि भाई मुझे दिखे कोई, उसको पता ही नहीं रहेगा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि जो पेशेंट जो होता है ना, उसको नहीं पता रहेगा ये चीज। ऐसा नहीं है भाई पेशेंट को पता रहेगा कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, हाँ नहीं, पेशेंट को पता ही नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उसको कोई पर्सन क्या दिख रहा है दोस्तों सामने। वो जानबूझ के इच्छा नहीं करेगा कि भाई मुझे पीएम दिखे, ठीक है, मुझे ये चीज दिखे, मुझे ये आवाज सुनाई दे, नहीं, उसकी इच्छा नहीं रहेगी, तो अनविलिंगनेस रहेगा। नेक्स्ट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आउटर स्पेस के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन आउटर स्पेस। अब आउटर स्पेस वर्ड को समझा देता हूं, उसको यह लगेगा कि उसके शरीर के बाहर का जो एनवायरनमेंट जो है ना दोस्तों, उसके अंदर उसको फील होता है। ठीक है, अपने शरीर के बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें फील होगा, उसको सामने दिखाई देगा, उसको आवाज सुनाई देगी, उसको आवाज अंदर से सुनाई नहीं देगी,
कि वो ऐसे नहीं कहे भाई मेरे ब्रेन में से आवाज आ रही है, नहीं उसको आवाज सुनाई देगी भाई बाहर उधर कोई खड़ा होकर क्या दिखा रहा है मुझे, आवाज सुनाई दे रहा है बाहर कोई खड़ा है इधर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कहे मुझे अंदर दिख रहा है, ऐसे नहीं कहेगा मुझे अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो जो भी चीजें जो भी होगा ना दोस्तों हेलुसिनेशन, वो किस में होगा, आउटर स्पेस के अंदर होगा, बाहर होगा, उसके बॉडी से क्या होगा दोस्तों बाहर की चीजें उसको सुनाई देंगी, बाहर की चीज दिखाई देंगी उसको, ठीक है। जैसे उसको टेस्ट फील होगा, है शरीर के अंदर टेस्ट, लेकिन उसको फील क्या होगा कि भाई वो चीज बाहर से उसने खाई है, बाहर से वो चीज आई है। तो हेलुसिनेशन के अंदर उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहां से होता है दोस्तों, आउटर स्पेस से होता है। क्या किससे होता है, आउटर स्पेस। वो यहाँ पर ऐसे करेगा भाई कोई चीज चल रहा है, क्रॉलिंग हो रही है, स्क्रीन पे फील हुआ उसको, तो वो बाहर से हो रहा है। उसको कहां से फील हो रहा है दोस्तों, बाहर से हो रहा है, उसके माइंड से नहीं हो रहा। उसको ये लगेगा कि चीज क्या नहीं है दोस्तों, माइंड से नहीं है, कहां से हो रहा है दोस्तों, आउटर स्पेस से हो रहा है। किससे हो रहा है, आउटर स्पेस से हो रहा है। अब देखो ये तीनों शर्त आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हेलुसिनेशन में तीन चीजें होनी चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट की तरह फील होना चाहिए उसको, एकदम अनविलिंगनेस होनी चाहिए, मतलब उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी उसको क्या दिखाई देता है ये, और ऑब्जेक्ट जो है वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए, आउटर स्पेस के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट, नोट लगा के लिखना नोट, इफ ऑब्जेक्ट इज, इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन इनर स्पेस, मतलब अपने माइंड में, ब्रैकेट में लिख लो माइंड, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, नोन एज स्यूडो हेलुसिनेशन। स्यूडो मतलब तो झूठा, छदम, जो असली में है नहीं। जैसे कि उसको वो सुनेगा कि वॉइसेज फ्रॉम माई माइंड कमिंग ऑन, वॉइसेज फ्रॉम माई माइंड कमिंग आर कमिंग, उसको ऐसा लगेगा जैसे मेरे दिमाग में से आवाज आ रही है। वो ये नहीं कहेगा कि बाहर से आ रही है भाई मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है, उसको लगेगा मेरे अंदर से, शरीर के अंदर से आवाज आ रही है। तो अगर अगर इनर, इनर स्पेस के अंदर दोस्तों, बस ये वर्ड याद रख लेना आप, तो ज्यादा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो सिर्फ इसको याद रख लो कि इनर स्पेस में से अगर उसको कोई चीज परसीव हो रही है दोस्तों, तो उसे हम किस नाम जानेंगे भाई, हेलुसिनेशन तो है ये, हेलुसिनेशन तो है ही, क्योंकि जो चीज है नहीं वो उसको प्रेजेंट है, लेकिन उसकी शर्त क्या है, वो स्यूडो हेलुसिनेशन कहलाता है। इस प्रकार का हेलुसिनेशन क्या कहलाता है दोस्तों, स्यूडो है, झूठा है, छदम है, ठीक है, छदम है ये, शर्त जो भी तीन जो कंडीशन थी उनको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, स्यूडो हेलुसिनेशन के नाम से हम इसे जानेंगे, इसे हम किस नाम जानेंगे, स्यूडो हेलुसिनेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। चलो अब हम आते हैं टाइप ऑफ हेलुसिनेशंस पे, और बाकी के जो नॉर्मल जो हेलुसिनेशंस है, मतलब स्यूडो नहीं है जो ओरिजिनल जो हेलुसिनेशन, उनके हम क्या करते हैं, बात करते हैं, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं दोस्तों, फेल होते हैं, वो आते हैं। टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, इतने सारे हेलुसिनेशंस के टाइप पढ़ेंगे आप खुद कहोगे कि सर ज्यादा हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन छूटे और सुरक्षा चक्कर टूटे आपका, ठीक है। आपकी सुरक्षा करना मेरा काम है, आपके क्वेश्चंस की सुरक्षा करना मेरा काम है। मैं नहीं चाहता कि जो भी टॉपिक आप मेरे से पढ़ो और उसमें से क्वेश्चंस बाहर से आए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस यूट्यूब की क्लास दे रहा हूं मैं और अपना काम पूरा कर रहा हूं कि भाई एक घंटे की क्लास हो गई, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन टॉपिक आपका पूरा होना चाहिए कंप्लीट, ताकि आपको और कहीं से पढ़ने की क्या नहीं पड़े दोस्तों, ज़रूरत नहीं पड़े। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। तो पांच जो टाइप हम वो तो सबको पता ही है, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, अब इसको बताने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। तो पेशेंट परसीव द, परसीव द वॉइसेज, वॉइसेज दैट आर नॉट प्रेजेंट, दैट आर नॉट प्रेजेंट इन आउटर स्पेस, बाहर से कोई भी आवाज आ नहीं रही है, ठीक है, लेकिन वो कहेगा कि बाहर से मुझे सुनाई दे रहा है कि भाई मुझे है ना बुला रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि भाई इधर आओ, ठीक है। जैसे बॉलीवुड की मूवी दिखाते हैं, वो गाना चलता है आजा और वो चल देता है उसके साथ साथ में, ठीक है। अगर मान लो दोस्तों कोई बुला नहीं रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि हाँ मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, साउंड मुझे सुनाई दे रहा है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, ऑडिटरी हेलुसिनेशन या हेलुसिनेशन ऑफ हियरिंग भी बोलते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज, नोट्स भी साथ साथ बनाते रहो, दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज एज हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग, हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, हियरिंग के हेल्यूसिनेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग, सुनने का, सुनने का, ठीक है, ऑडिटरी। अब क्वेश्चन यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बनता है दोस्तों, मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन। क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन। कि भाई मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन है ना वो कौन सा होता है दोस्तों, आंसर करना ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो दिस इज मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन। सबसे ज्यादा जितने भी हेल्यूसिनेशन जो पढ़ेंगे हम दोस्तों, उन सारे हेल्यूसिनेशन के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो हेल्यूसिनेशन है वो दोस्तों कौन सा है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है। ठीक है, कौन सा हेल्यूसिनेशन है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। एक बार मैं सारे हेल्यूसिनेशन लिख ही देता हूँ आप, ताकि आपको एक दिमाग में एक चार्ट बन जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक हो गया दोस्तों ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन पढ़ेंगे हम, हेल्यूसिनेशन वर्ड आप खुद लगा लेना, ऑडिटरी पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों विजुअल पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ओल्फैक्टरी, इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्टेट्री, इसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्टाइल, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, या इसे हम हैप्टिक के नाम से भी जानते हैं। एक होता है दोस्तों काइनेटिक, काइनेटिक हेल्यूसिनेशन। इसके बाद हम एक मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा कैंपाइन हेल्यूसिनेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन, या पहले फंक्शनल लिखो, फंक्शनल हेल्यूसिनेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन। इसके बाद पढ़ेंगे हम हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन। इसके बाद पढ़ेंगे हम हिप्नोपोम्पिक हेल्यूसिनेशन। एक और पढ़ा दूंगा बस, बहुत हो जाएंगे। ऑटोस्कोपी हेल्यूसिनेशन। ये हेल्यूसिनेशन पढ़ेंगे दोस्तों हम, बहुत है, इतने सारे पढ़ लोगे तो खूब हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे हेल्यूसिनेशन आपको पढ़ेंगे। इसमें से आपको कुछ हेल्यूसिनेशन नए लग रहे होंगे, लेकिन आने वाले जो एग्जाम्स हैं हो सकता है कि उनमें इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लें। तो हम ऑडिटरी पढ़ रहे थे, ऑडिटरी में हमने क्या पढ़ लिया भाई, मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन होता है एक तो ये, ठीक है ध्यान रखना ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन इन साइकोसिस, या फिर वो ऐसे दे सकते हैं स्किजोफ्रेनिया। तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। सिजोफ्रेनिया के अंदर जो हेल्यूसिनेशन होता है ऑडिटरी के अंदर, उसको हम बोलते हैं कॉमेंटेटरी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। है ऑडिटरी ही ये, लेकिन इसका एक टाइप है ये, इसको बोलते हैं कॉमेंटेटरी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। अभी समझाता हूँ, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं भाई। दो प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, साइकोटिक और न्यूरोटिक, आगे हम पढ़ेंगे। साइकोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, उनके अंदर इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब पेशेंट डजंट नो दैट ही और सी हैव डिसऑर्डर, उसको पता नहीं रहता कि भाई उसके डिसऑर्डर है या नहीं, उसको बीमारी है या नहीं है। तो उसके हम किस नाम जानते हैं, इनसाइट के नाम जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो जिसको पता नहीं होता वो साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, और जिसको पता होता है वो क्या होता है दोस्तों, न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, आपको पता है कि भाई आपको एंजाइटी है तो आप वो क्या कहलाएगा, न्यूरोटिक। आपको पता ही नहीं है मैनिया सिजोफ्रेनिया, ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती। ठीक है, इसके बाद में कॉमेंटेटरी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो एक तो एक ही आदमी की आवाज़ सुनाई दे, ठीक है, तो वो कॉमेंटेटरी नहीं है। आपको अगर दो तीन आदमियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, चार पांच आदमी से लगेगा भाई ग्रुप में यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी आवाज़ आपको एक साथ सुन रही है, वो बातें कर रहे हैं, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, कॉमेंटेटरी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, कॉमेंटेटरी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ठीक है, कॉमेंटेटरी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन के नाम से हम इसे जानते हैं, कॉमेंटेटरी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो ये ध्यान रखना, कॉमेंटेटरी का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे लोगों की कॉमेंटेटरी आपको सुनाई दे रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि भाई मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन पूछे या फिर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन इन सिजोफ्रेनिया। तो दोनों का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होगा। दूसरा,
नेक्स्ट है दोस्तों विजुअल हेल्यूसिनेशन, नेक्स्ट है विजुअल हेल्यूसिनेशन। ठीक है, तो इसमें पेशेंट क्या होगा दोस्तों भाई, इसको हम हेल्यूसिनेशन ऑफ विजन भी बोलते हैं या हेल्यूसिनेशन ऑफ साइट भी बोलते हैं भाई, दिखता है उसको जो चीज है नहीं प्रेजेंट, हेल्यूसिनेशन ऑफ साइट। ठीक है, इसे हम हेल्यूसिनेशन ऑफ साइट के नाम से भी जानते हैं। अल्कोहल जो पीते हैं ना दोस्तों, उनके अंदर ऑडिटरी आता है, और अल्कोहल जो छोड़ देते हैं ना, उनके अंदर विजुअल आता है, जो चीज होती नहीं है वो भी उनको क्या दिखाई देती है। ठीक है, तो हेल्यूसिनेशन ऑफ साइट क्या होता है, हेल्यूसिनेशन ऑफ साइट के अंदर दिखाई देगा जो चीज क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो पेशेंट सी दैट इज नॉट प्रेजेंट, कोई भी चीज जो प्रेजेंट नहीं है उसको देखता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, विजुअल हेल्यूसिनेशन के नाम से जानते हैं। ऐसे डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ट्रम में दे रखा है भाई विजुअल है या साइट है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्या आते हैं, अब बात करते हैं विजुअल हेल्यूसिनेशन का। क्वेश्चन नंबर वन कि अल्कोहल विड्रॉल में क्या प्रेजेंट होता है, तो आंसर आएगा विजुअल हेल्यूसिनेशन। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे डायरेक्टली क्या होता है विजुअल, सबको पता है वो चीज, तो दिखाई नहीं देती तो क्या होता है। क्वेश्चन आएगा टेम्पोरल लोब लीजन में, टेम्पोरल लोब जो लीजन है उसके अंदर कौन सा हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट होता है, तो आंसर आएगा विजुअल हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन। क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में या फिर डेलिरियम में, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर या डेलिरियम, मेनली डेलिरियम, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में डेलिरियम डिमेंशिया आते हैं, आपने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसमें भी कौन सा दोस्तों डेलिरियम के अंदर मेनली कौन सा हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट होता है, विजुअल हेल्यूसिनेशन, कौन सा हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट होता है दोस्तों, विजुअल हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके विजुअल हेल्यूसिनेशन से रिलेटेड हो गए। अब इसमें नोट लगा के एक हेल्यूसिनेशन यही लिखाऊंगा, क्योंकि इसी का एक टाइप होता है ऑटोस्कोपी हेल्यूसिनेशन, इसी के नीचे लिखना ऑटोस्कोपी हेल्यूसिनेशन क्या होता है, ऑटोस्कोपी हेल्यूसिनेशन भाई, सामने शीशा लगा हुआ ही नहीं और पेशेंट कह रहा है कि मैं तो अपनी शक्ल देख रहा हूं शीशे में, ऑटो मतलब खुद को देखना, स्कोप मतलब विजुअलाइजेशन, तो खुद को ही देखना शीशे में वो नॉर्मल है, लेकिन शीशा ही प्रेजेंट नहीं है, मान लो आपके सामने मिरर प्रेजेंट नहीं है, कांच प्रेजेंट नहीं है, आईना प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आईना आपके सामने है ही नहीं और आप अपने आप को देख रहे हो, कह रहे हो कि मुझे तो मैं दिख रहा हूँ सामने, ये देखो मैं अपने को ठीक कर रहा हूँ, बाल ठीक कर रहा हूँ, ये ठीक कर रहा हूँ, दोस्तों इसे हम किस नाम जानेंगे, ऑटोस्कोपिक हेल्यूसिनेशन के नाम से जानेंगे। तो पेशेंट सी हिज और हर इमेज, हिज और हर दोनों लिखना जरूरी है, नहीं लड़कियां नाराज हो जाएंगी, सर हर नहीं लिखा हमारा, आप मेल हो तो आप ही चीज को ध्यान रखते हो। पेशेंट सी हिज और हर इमेज इन मिरर विदाउट प्रेजेंस ऑफ मिरर, मतलब मिरर प्रेजेंट है ही नहीं लेकिन उसको ऐसा लगेगा सामने क्या प्रेजेंट है, मिरर है और उस मिरर के अंदर मैं अपने आप को देख रहा हूं, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, ऑटोस्कोपी हेल्यूसिनेशन के नाम से जानते हैं। हम देख तो रही है विजुअल ही है लेकिन विजुअल का भी एक स्पेसिफिक टाइप हो गया ये, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, ऑटोस्कोपी हेल्यूसिनेशन के नाम से जानते हैं कि पेशेंट अपनी इमेज को देखता है जो कि एक्चुअली में वहां पर मिरर है ही नहीं लेकिन उसको दिख रहा है। देखो कितना बढ़िया काम हो गया, बिना शीशे के बिना कांच के ही खुद की शक्ल को देख लो, आप ढूंढते रहते हो कहां रखा है। ठीक है, तो ये ऑटोस्कोपी हेल्यूसिनेशन हो गया, तो तीन हो गए आपके, ऑडिटरी हो गए, विजुअल हो गया, इसके बाद नेक्स्ट ओल्फैक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन तो ओल्फैक्टरी के अंदर क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हेल्यूसिनेशन ऑफ स्मेल, हेल्यूसिनेशन ऑफ स्मेल, बस किसी चीज की बताएगा कि स्मेल आ रही है मुझे बाहर से। ठीक है, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन नाम से जानेंगे, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखो
टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, वहां पर मैंने लीजन लिखा था, ध्यान रखना, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, या क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है, ओरा ऑफ एपिलेप्सी, जो एपिलेप्सी की ओरा जो फेज होती है ना उसमें, ओरा ऑफ एपिलेप्सी के अंदर कौन सा हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है, तो आंसर क्या आएगा, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कौन सा प्रेजेंट होता है, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है। तो आप इनको थोड़ा सा सिक्वेंस से याद कर लेना दोस्तों, कहीं आपको ऐसे दिक्कत नहीं हो। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मोस्ट कॉमन ऑडिटरी होगा, मोस्ट कॉमन इन सिजोफ्रेनिया ऑडिटरी होगा, विजुअल किसके अंदर होगा, एल्कोहल विड्रॉल के अंदर विजुअल होगा, टेम्पोरल लोब अगर लीजन आता है तो भी वहां पर भी क्या होगा, विजुअल होगा, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर पूछता है तो भी विजुअल होगा, ओटोस्कोपी मैंने बता दिया मिरर में देखता है, इसके बाद में हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ओल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। तो ओरा ऑफ एपिलेप्सी के अंदर पूछे या फिर ओल्फैक्टरी, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के अंदर एक ऐसा एपिलेप्सी है दोस्तों, ये इसके अंदर एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली इसके अंदर ओल्फैक्टरी तो होता ही है, ओल्फैक्टरी के साथ में दोस्तों इसके अंदर एक और फील होता है, वो फील होता है आपका कौन सा, गैस्टेट्री, कौन सा फील होता है दोस्तों, गैस्टेट्री हेलुसिनेशंस भी प्रेजेंट होता है, इसमें ध्यान रखना। अगला जो हम पढ़ाऊंगा उसमें मैं वहीं पे बताऊंगा कि गैस्टेट्री जो हेलुसिनेशन है दोस्तों वो भी इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, गैस्टेट्री जो हेलुसिनेशन है वो भी क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब जो एपिलेप्सी है उसके अंदर दो प्रेजेंट होते हैं, एक ओल्फैक्टरी होता है और एक गैस्टेट्री होता है। नेक्स्ट, गैस्टेट्री, गैस्टेट्री हेलुसिनेशन, गैस्टेट्री हेलुसिनेशन, गैस्टेट्री हेलुसिनेशन में क्या होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, हेलुसिनेशन ऑफ टेस्ट, हेलुसिनेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो उसको ऐसा फील होगा कि जैसे कोई चीज का क्या कर रहा हो दोस्तों, वो टेस्ट कर रहा हो। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, टैक्टाइल, टैक्टाइल और हैप्टिक। तो स्किन से रिलेटेड जो है ना दोस्तों वो क्या कहलाता है, टैक्टाइल और हैप्टिक कहलाता है। तो पेशेंट फील्स दैट बग्स आर क्रॉलिंग ऑन हिज और हर स्किन, ठीक है। उसको ऐसा फील होगा जैसे कीड़े चल रहे हो, कुछ जंतु कोई जानवर उसके हाथ पे चल रहा हो, उसको ऐसे फील होगा कि कोई चीज क्या है, चल रही हो दोस्तों। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, टैक्टाइल और हैप्टिक हेलुसिनेशन के नाम से जानते हैं। तो पेशेंट क्या फील करेगा कि कोई चीज उसकी स्किन पे क्या हो रहा है दोस्तों, स्किन पे जो भी चीज फील करे ना उसे किस नाम से जानेंगे हम, टैक्टाइल और हैप्टिक हेलुसिनेशन के नाम से हम उसे जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, टैक्टाइल और हैप्टिक हेलुसिनेशन के नाम से जानते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों ये, तो ये मेनली प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल लिख लेना, एक तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है सब्सटेंस अब्यूज, तो इसका आंसर यही होगा कि सब्सटेंस अब्यूज के अंदर। और सब्सटेंस अब्यूज भी नहीं आता तो आता अगर आए कोकेन टॉक्सिसिटी, जो कोकीन लेते हैं ना जो लोग, उनके अंदर अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उनके अंदर ये फील होता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन उसके अंदर क्या होता है, फील होता है, हैप्टिक हेलुसिनेशन उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, फील होता है, ठीक है। इनके जो एग्जांपल्स है ना भाई, किसमें क्या होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें सबको पता है भाई, विजुअल में दिखता है, ठीक है, ओल्फैक्टरी में सूंघते हैं, ऑडिटरी में सुनते हैं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो जो चीज नहीं पता वो याद करो, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस अब्यूज और कोकेन टॉक्सिसिटी हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद एक होता है काइनेटिक, काइनेटिक हेलुसिनेशन एक प्रकार का स्यूडो हेलुसिनेशन ही है ये। पेशेंट क्या फील करेगा, पेशेंट ये फील करेगा कि उसकी जो बॉडी है ना वो उड़ रही है। पेशेंट क्या फील करेगा, जैसे उसकी शरीर ऊपर आ गया, फ्लाई कर रहा है, तो पेशेंट ऐसे फील करेगा। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, काइनेटिक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मूवमेंट। तो पेशेंट फील्स ही इज फ्लाइंग, जैसे वो उड़ रहा हो, और हिज और हर इंटरनल ऑर्गन्स, हिज और हर इंटरनल ऑर्गन्स आर
मूविंग, या फिर उसको ऐसा फील होगा कि उसके जो शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स है ना वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, मूव कर रहे हैं। अंदर के ऑर्गन्स उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, मूव कर रहे हैं। ये तो अंदर की चीज हो रही है एक तरह से, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है स्यूडो हेलुसिनेशन मैंने इसको बताया आपको, क्योंकि भाई अंदर से फील हो रहा है, इसको बाहर से फील नहीं हो रहा है, बाहर से किसी ने मारा तब मूव हुआ हो। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखना, काइनेटिक के अंदर दो चीजें आ रही है, एक नहीं याद रखनी आपको, दोनों चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो उसको ऐसा फील होगा कि जैसे वो उड़ रहा हो, ठीक है, फ्लाई कर रहा हो, और दूसरा उसको क्या फील होगा कि जैसे उसके ऑर्गन्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, मूव कर रहे हो। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, काइनेटिक हेलुसिनेशन के नाम से जानते हैं। इसमें आपको कोई एग्जांपल याद करने की जरूरत है नहीं, इसमें आपको कोई भी एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसके जो ऑर्गन्स हैं अंदर से वो कहेगा कि मेरा लीवर है वो मूवमेंट कर रहा है, इधर से इधर आ गया, मेरा हार्ट इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, मेरा स्टोमक ऊपर आ रहा है, इंटेस्टाइन जो है वो मूवमेंट कर रही है। तो ये सब चीजें किस में आएगी दोस्तों, काइनेटिक मतलब मूवमेंट। काइनेटिक को आप किससे याद रखोगे, मूवमेंट से याद रखोगे। तो इस प्रकार का जो हेलुसिनेशन है दोस्तों वो क्या कहलाता है आपका, काइनेटिक हेलुसिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, काइनेटिक हेलुसिनेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट मैंने आपको लिखाया था एक्स्ट्रा कंपाइन हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन आउटसाइड द, आउटसाइड द सेंसरी फील्ड, सेंसरी फील्ड, या हम कहें जैसे हमने पढ़ा था ना वहां पे बिजारे इंपॉसिबल लाइक दैट, ठीक है, हेल्यूसिनेशन दैट इज, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। तो उसे हम किस नाम जानेंगे, एक्स्ट्रा कैंपाइन हेल्यूसिनेशन के नाम से हम उसे जानेंगे। एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल के रूप में समझो कि एक पेशेंट है, उसका है ब्रदर, पेशेंट कहां है दोस्तों, इंडिया में, और उसका जो ब्रदर है ना वो कहां है दोस्तों, अमेरिका में। अब वो आदमी कहां तक देख सकता है, थोड़ी दूर तक देख सकता है, ऐसे तो है नहीं कि अमेरिका तक देख सकता है, वैसे मत करना सर देख सकता है, वीडियो कॉल करेंगे तो ये बकवास नहीं, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो अपने रूम में क्या कह रहा है कि मुझे मेरा भाई है ना वो दिखाई दे रहा है, या फिर क्या कहेगा कि मेरे भाई की मुझे क्या सुनाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है। तो ये क्या हो गया, सेंसरी जो उसकी फील्ड है ना एक लिमिट है, उससे वो कहां चला गया दोस्तों, बाहर चला गया, ठीक है। भाई आवाज सुनाई दे सकती है भाई की, भाई वहां पर हो मान लो प्रेजेंट, थोड़ी दूर हो, ठीक है, वो तब मान लो ऐसे मान मिले कि भाई उसको आवाज सुनाई दे गई होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसका भाई जो है वो कहां है, बाहर है, उसकी सेंसरी फील्ड उसकी लिमिट से बाहर है, सेंसरी फील्ड मतलब उस लिमिट से बाहर हो गया, जो कि लगभग क्या है दोस्तों, इम्पॉसिबल है। वो चीज अगर आदमी हेलुसिनेट कर रहा है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशन के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। फिर दो आते हैं, रिफ्लेक्स और फंक्शनल हेलुसिनेशन। देखो समझाता हूँ, बहुत अच्छे हेलुसिनेशन है, आगे जो एग्जाम्स हैं ऐसे हेलुसिनेशन के क्वेश्चंस बनेंगे जो नए हैं, क्योंकि पुरानी चीजें सबको आने लग गई। तो फंक्शनल हेलुसिनेशन और रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, हेल्यूसिनेशन इन सेम मोडलिटी, सेम सेंसरी मोडलिटी लिख लो, सेम सेंसरी मोडलिटी, अभी समझा दूंगा, अभी लिखने में टफ लग रहा है, अभी सिंपल कर दूंगा। हेल्यूसिनेशन इन, हेल्यूसिनेशन इन अदर, हेल्यूसिनेशन इन अदर सेंसरी मोडलिटी, सेंसरी मोड। देखो मतलब कि वो जिस चीज को हेलुसिनेट करे ना उसमें क्या होगा वो सुनो। देखो आप, वो कहेगा कि वेन एवर आई सी द या आई हियर द वॉइस ऑफ, वॉइस ऑफ ऑटो रिक्शो, ऑटो रिक्शा, आई लिसन द साउंड ऑफ गॉड। देखो गॉड प्रेजेंट है या नहीं है, पहली बात तो हेलुसिनेशन है या नहीं है या इल्यूजन है, ये देखो आप ये कंफ्यूज हो सकते हो किसी में इल्यूजन है। तो यहां पर मेन चीज किसको सुन रहा है, वो गॉड को सुन रहा है, तो गॉड उसके सामने प्रेजेंट तो है नहीं, तो उसको गॉड की आवाज सुनाई दे रही है, तो क्या हो गया, हेलुसिनेशन हो गया।
अब फंक्शनल और रिफ्लेक्स में क्या अंतर है वो समझाना चाहता हूँ। उसको है ना हमेशा भगवान की आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसको भगवान की आवाज़ कब सुनाई देती है, जब वो किसकी आवाज़ सुनते हैं दोस्तों, ऑटो रिक्शों की। किसकी आवाज़ सुनता है, ऑटो रिक्शे की। अब उसे साउंड किसकी सुनाई दे रही है दोस्तों, यहाँ पर भी हियरिंग है, यहाँ पर भी क्या है, हियरिंग है। तो हेल्यूसिनेशन भी किसका हो रहा है, हियरिंग का ही हो रहा है। यहाँ पर भी ऑडिटरी हो रहा है हेल्यूसिनेशन। क्यों, उसको हेल्यूसिनेशन तब ही होगा जब वो क्या करता है, सुनता है। अब सुन किसी को रहा है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, हेल्यूसिनेशन ही, हियरिंग का है। ऑटो रिक्शा की आवाज़ सुनकर उसको भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। उसको जैसे ऑटो रिक्शा सुनाई देगा ना, ऑटो रिक्शा जैसे स्टार्ट होगा, ठीक है, मुझे आता नहीं है करना, तो जैसे ही ऑटो रिक्शा स्टार्ट होगा वैसे के वैसे दोस्तों उसको भगवान की आवाज़ सुनाई देने लग गई। अब दोनों मोडलिटी सेम है, उधर भी क्या है, हियरिंग है, ऑटो रिक्शे की आवाज़ को सुन रहा है, और सुनते ही जैसे उसके दिमाग में, ऑटो रिक्शे के दिमाग में उसकी आवाज़ जाएगी, जैसे कि जैसे उसको किसकी आवाज़ आने लग गई दोस्तों, भगवान की आवाज़ आने लग गई, जबकि भगवान प्रेजेंट नहीं है। तो दोनों चीज़ें, यहाँ भी आवाज़ का ही है, सुनने का ही है, हियरिंग का ही है, और यहाँ भी उसको सुनाई ही दे रहा है जो कि है नहीं। तो दोनों चीज़ें क्या है दोस्तों, सेम है, उनको बोलते हैं मोडलिटी, ठीक है। उधर भी ऑडिटरी है, सुनकर ही दूसरी आवाज़, सुनकर ही उसे दूसरी आवाज़ सुनाई दी, हमने ये बोला ना, दूसरी आवाज़ सुनकर ही उसे दूसरी आवाज़ सुनाई थी। दोनों में क्या है, सुनना है, तो क्या हो गया दोस्तों, सेम हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सेम हो गया। जैसे एग्जांपल के रूप में समझो कि जैसे ही मैं ट्यूबलाइट को देखता हूँ, जैसे ही मैं ट्यूबलाइट को देखता हूँ, तो मान लो कि किसी के फादर की डेथ हो गई, तो क्या कहेगा, जैसे ही मैं ट्यूबलाइट को देखता हूँ मुझे मेरे पिताजी दिखाई देते हैं। अब उधर भी देखना हो गया, इधर भी क्या हो गया दोस्तों, देखने का हेलुसिनेशन हुआ, उसके पिताजी उसको दिखाई देने लगे, जो कि है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो दोनों क्या हो गए दोस्तों, सेम मोडलिटी हो गई। वो कहेगा कि जैसे ही मैं लड्डू खाता हूँ, जैसे ही मैं क्या कहता हूँ, लड्डू खाता हूँ, तो मुझे बर्फी का टेस्ट आता है। तो अब दोनों मोडलिटी क्या है दोस्तों, सेम है, मॉडलिटी क्या है, सेम है। उधर भी टेस्ट ले रहा है, उधर भी क्या ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि दोनों के अंदर अगर मॉडलिटी सेम है दोस्तों, तो वो हेलुसिनेशन क्या कहलाएगा, फंक्शनल हेलुसिनेशन कहलाएगा। इधर क्या है, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन जो है वो हेलुसिनेशन इन अदर सेंसरी मॉडलिटी, कैसे, दूसरे के अंदर कैसे, जैसे ही मैं ट्यूबलाइट को देखता हूँ तो मुझे मेरे पापा की आवाज़ सुनाई देती है। उधर तो मैंने क्या बोला था आपको, इधर वाले में, कि भाई जैसे ही मैं ट्यूबलाइट को देखता हूँ मुझे मेरे पिताजी दिखाई देते हैं। उधर भी वो देख रहा है और इधर भी वो क्या कर रहा है दोस्तों, देख रहा है। लेकिन इस एग्जांपल में मैंने क्या बताया कि जैसे ही मैं ट्यूबलाइट को देखता हूँ तो मुझे मेरे पापा की आवाज़ सुनाई देती है। अब देखना तो क्या हो गया दोस्तों, एक मोडलिटी हो गई क्या, विजुअल, ठीक है, देखने का एनवायरमेंट मान लो, मोडलिटी को देखने का एनवायरमेंट किसका था, विजुअल का। लेकिन उधर इस आवाज़ सुनाई दी तो उसे क्या हो गया दोस्तों, वो दूसरी मोडलिटी में चला गया कि भाई देखने से उसके सुनने का हेलुसिनेशन आया, देखने से उसको किसका हेलुसिनेशन आया दोस्तों, सुनने का हेलुसिनेशन आया। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन के नाम से हम इसे जानेंगे। हम इसे किस नाम जानेंगे, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन के नाम से जानेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल समझो, जैसे ऑटो वाला ही ले लो, वो कहेगा जैसे ही मैं ऑटो की आवाज़ सुनाई मुझे देती है तो मुझे ऑटो की जैसे आवाज़ सुनाई देती है तो मुझे समोसे का टेस्ट आने लगता है मुँह में। अब देखो उसने समोसा खाया नहीं खाया, फिर भी उसको टेस्ट आ रहा है, तो हेलुसिनेशन हो गया। आवाज किसकी सुनी, वो कौन सा हो गया, सुनना कौन सा हो गया, ऑडिटरी हो गया। इधर टेस्ट आ रहा है, गैस्ट्रेटरी हो गया। तो मॉडलिटी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, एक चीज को देख के दूसरी चीज हो रही हो तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन हो रहेगा। और सेम मॉडलिटी के अंदर, सेम एनवायरमेंट के अंदर, सुनने से ही सुनने में फर्क पड़े, ऐसे सिंपल से एक लाइन देखो, दिमाग में अगर कोई चीज घुसानी है ना तो उसको सिंपल बना के घुसाओ। दिमाग कभी भी कॉम्प्लेक्स चीज को नहीं लेता, वो रट लेगा, दो दिन याद कर लोगे, तीन दिन भूल जाओगे। अब एक लाइन में याद रखो, आप बोलोगे फंक्शनल, सुनने से ही सुनने पर फर्क पड़े, क्या कहलाएगा, फंक्शनल। सुनने से देखने पे फर्क पड़े, सुनने से टेस्ट आने पे फर्क पड़े तो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका रिफ्लेक्स पड़ेगा। मतलब एक मॉडलिटी से दूसरे में चला गया तो रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन कहलाएगा। अब दो और हैं, हिप्नोगोगिक और हिप्नोपोम्पिक। इसके बाद नेक्स्ट, इनको साथ लो, हिप्नोपोम्पिक, पहले गोगिक लिख लो, हिप्नोगोगिक और हिप्नोपोम्पिक, हिप्नोपोम्पिक। पेशेंट को हमेशा हेलुसिनेशन नहीं आते, लेकिन उसको सिर्फ हेलुसिनेशन जब आए, जब वो क्या तो नींद में रहे, फॉल एस्लिप, नींद में रहे, ठीक है, या फिर गोइंग टू स्लिप। मतलब उसको हमेशा हेलुसिनेशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो सोने वाला होता है या उसको जैसे ही नींद आती ही है,
जबकि जब उसको कोई ना कोई हेलुसिनेशन आ गया, कोई सा हेलुसिनेशन इसके अंदर आ सकता है, आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन सा आता है, ठीक है, कोई भी उसको क्या आने लग जाए दोस्तों, हेलुसिनेशन आने लग जाए, तो फॉल एस्लिप या गोइंग टू स्लिप हो तब उसको हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, हिप्नोगोगिक के नाम से जानेंगे। तो गो से याद रख लेना जाना, जब भी जैसे ही कोई आदमी सोने के लिए जाए, जैसे ही कोई आदमी सोने के लिए जाए या सो जाए, तो जो हेलुसिनेशन फील होगा उस टाइप के हेलुसिनेशन, कोई सा भी हो सकता है, इसमें विजुअल ऑडिटरी कोई सा फील होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो सोने के लिए जाए तब हेलुसिनेशन फील हो तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, हिप्नोगोगिक के नाम से जानते हैं। और जब वो उठे, जैसे ही वो नींद से उठा, वेकअप, तब उसको अगर हेलुसिनेशन फील होगा दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, दैट विल बी नोन एज हिप्नोपोम्पिक। पोम्प 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 आवाज सुनी, सुनते ही आंख खुल जाती है, ऐसे याद रखना, नींद से उठ जाते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर गो है तो नींद के लिए जाए तब हेलुसिनेशन फील हो, और यहां जब उठे तब फील हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन बोलेंगे। तो मैंने आपको सारे हेलुसिनेशन जो है वो लगभग सारे करवा दिए हैं, देखता हूं आपको मैंने लिस्ट बनवाई है ना, ठीक है, सारे एलुसिनेशन हमने कर लिया, ये सारे ऑडिटरी कर लिया, विजुअल कर लिया, ओल्फैक्टरी कर लिया, टैक्टाइल, फंक्शनल, एक्स्ट्रा कंपाइन, काइनेटिक, ठीक है, रिफ्लेक्स कर लिया, ऑटोस्कोपी करवा दिया, हिप्नोपोम्पिक करवा दिया, हिप्नोगोगिक करवा दिया, सारे एलुसिनेशन हमने कर लिए हैं। एक बार मैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो आपको करवा देता हूँ, ताकि अब आपको पता लगे कि जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में तो आना चाहिए ना, जब आपको समझ में नहीं आया तो फिर क्या फायदा। तो एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम कुछ। साथ में और क्वेश्चंस भी मैं करवाता जाऊंगा, ताकि जो पढ़ लिया ना उसके क्वेश्चन, एक मेंटल डिसऑर्डर, ज़्यादा क्वेश्चंस करो आप टर्मिनोलॉजी के, जहाँ से भी मिले करो, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ अब इसको सिंपल समझा है, अब उसको आपको लैंग्वेज में डालना है। ए मेंटल डिसऑर्डर दैट इज करेक्टराइज बाई परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ आइडिया। आइडिया का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, थॉट का डिसऑर्डर है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो किस परसिस्टेंट एक ही थॉट को बार बार किस में करता है दोस्तों, प्रिजर्वेशन में करता है, या परसिवरेशन भी बोलते हैं इसे, परसिवरेशन या प्रिजर्वेशन में क्या करता है आदमी, एक ही थॉट रखेगा। व्हाट इज योर नेम, बताएगा मेरा नाम महेश, कहाँ रहते हो महेश, क्या खाते हो महेश, ठीक है, पापा क्या करते हैं महेश, ठीक है, तो हर चीज एक ही आइडिया को क्या करते हैं दोस्तों, परसिस्टेंटली रिपीट करे, उसे हम किस नाम जानते हैं, परसिवरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कल पढ़ाया था हमने, अच्छे से इसको पढ़ाया, देखो, ए मेंटल डिसऑर्डर इन विच पेशेंट फाइनली रीचेज हिज ऑब्जेक्टिव बट ओनली आफ्टर मैनी अननेसेसरी और ट्राइवल डिटेल्स इज टर्म्ड एज, बताओ एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर जो पेशेंट है वो फाइनली पहुंच तो जाता है आंसर तक, लेकिन कब पहुंचता है, वो जो बहुत सारे घुमा फिरा कर अपने आपके पास आता है, ठीक है, हमने पढ़ा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सर्कमस्टेंटिलिटी के नाम से उसे जानते हैं। टेंजेंटिलिटी में क्या होता है, टेंजेंटिलिटी के अंदर वो क्या करता है दोस्तों, पहुंचता नहीं है, पूरी डिटेल देगा लेकिन लास्ट में उसके ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंचेगा, उसके आंसर तक नहीं पहुंचेगा, तो उसे हम टेंजेंटिलिटी बोलेंगे। और अगर पहुंच जाता है तो उसे हम किस नाम जानते हैं, सर्कमस्टेंटिलिटी के नाम से हम उसे जानते हैं। देखो हाइपोकोंड्रेसिस क्या होता है, कल पढ़ाया हमने हाइपोकोंड्रेसिस को, देखो हाइपोकोंड्रेसिस क्या है, बताओ इसका आंसर, बताओ आप पहले, आप बताओ, पॉज कर लो वीडियो को, पॉज कर लिया करो, अगर आप पढ़ नहीं पाओ तो उसको पॉज कर लिया करो, देख लो। अब देखो हाइपोकोंड्रेसिस क्या है, ए फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ अनरिलेटेड विद पर्सन्स इंटेलिजेंस, ठीक है, एक ऐसी बिलीफ है जो कि फॉल्स है, फिक्स्ड है और इरेशनल है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, उसे हम डिल्यूजन के नाम से जानते हैं, तो ये कम से कम हाइपोकोंड्रेसिस तो नहीं है। ए डिसऑर्डर इन विच पेशेंट इज ओवर कॉन्शियस अबाउट हिज बॉडली हेल्थ, देखो भाई ओवर कॉन्शियस हो गया, उसको लगेगा कि मेरी हेल्थ क्या हो गई है दोस्तों, बीमार हो गया हूं मैं, मुझे डिजीज हो गई है, और उसके प्रति क्या हो जाए, ओवर कॉन्शियस हो जाए अगर कोई पेशेंट, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे हम किस नाम जानते हैं, हाइपोकोंड्रेसिस या फिर डॉक्टर स्वॉपिंग के नाम से जानते हैं। इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस और सिचुएशन क्या कहलाता है दोस्तों, ये फोबिया कहलाता है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस, भाई स्टिमुलस जो है उसका क्या करें, मिस इंटरप्रिट करें, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, अगर प्रेजेंट है तो इल्यूजन होगा और एब्सेंट है तो क्या होगा, हेल्यूसिनेशन होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई फोबिया क्या है, पहला दे रखा है फॉल्स फिक्स्ड अनरिलेटेड विद पर्सन इंटेलिजेंस, नहीं वो अभी बताया डिल्यूजन है। ए डिसऑर्डर इन विच पेशेंट इज ओवर कॉन्शियस, ये क्या है आपका, हाइपोकोंड्रेसिस है। इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस और सिचुएशन, अभी जो बताया उसी का क्वेश्चन बनाया। ये क्वेश्चन है
द टाइप ऑफ डिल्यूजन दैट इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन मैनिक पेशेंट, कि मैनिक पेशेंट के अंदर मेनली कौन सा जो डिल्यूजन है दोस्तों वो प्रेजेंट होता है। तो मैंने मैनिया में आपको बताया था, याद करो जब यूफोरिया इलेशन एक्सल्टेशन पढ़ाया था, तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर क्या होता है, मेनली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो मैं इनको बहुत एक क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट में भी करा सकता हूँ, लेकिन हमने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, फिर कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमने पढ़ी ली है। क्वेश्चन है कि पेशेंट फाल्सली बिलीव, जो कि है नहीं, बिलीव करता है कि वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी मान लो बिलीव करे कि प्राइम मिनिस्टर, तो वो तो सही है ना, तो ये फॉल्स है नहीं वो। ही बिलीव दैट ही इज वेरी रिच, बहुत अमीर है वो। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज नोन है, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, एक है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब उसके फैमिली मेंबर, उसके दोस्त उसको मारना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पैरानोइड सिज़ोफ्रेनिया के अंदर प्रेजेंट होता है, डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन कहलाता है। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, हाँ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर कहेंगे, ग्रैंडियोसिटी कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं राजा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं सुप्रीमेसी हूँ, मैं हर कुछ हूँ, तो वो क्या कहलाता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहलाता है। नीलिस्टिक या डिल्यूजन ऑफ नेगेशन, संसार खत्म हो चुका है, मेरा शरीर खत्म हो चुका है, मेरा माइंड खत्म हो चुका है, तो ये सब क्या कहलाता है दोस्तों, नीलिस्टिक डिल्यूजन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, तो ये डिप्रेशन में प्रेजेंट होता है, उसको हर चीज़ में क्या फील होगा, गलती गिल्ट फील होती है उसको, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट के नाम से जानते हैं, इसे हम डिल्यूजन ऑफ गिल्ट के नाम से जानते हैं इसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी बताया जस्ट यही लाइन बताई मैंने कि पैरानोइड सिज़ोफ्रेनिया में कौन सा डिल्यूजन प्रेजेंट होता है, तो डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन आपको मैंने करवाया हुआ है, डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज कर लो बताओ, ए डिसऑर्डर ऑफ थॉट कंटेंट इन विच पेशेंट हैज ए फॉल्स बिलीव दैट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर ट्राइंग टू किल हिम। अभी बताया मैंने आपको डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड सिटी को बड़ा समझना, नीलिस्टिक मैंने बता रखा है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में बात की है हमने। ठीक है, हर चीज़ में उसको ऐसा फील करे कि भाई मेरी गलती है, मैंने गलती की है, सारी मेरी गलती है, क्या कहलाता है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट कहलाता है। खुद को क्रिमिनल मानता है, हर चीज़ में खुद की गलती मानता है, खुद को क्रिटिसाइज करता है खुद को, तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में करता है वो। इसके बाद डिल्यूजन ऑफ नेगेशन को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो डिल्यूजन ऑफ नेगेशन को हम नीलिस्टिक डिल्यूजन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, नीलिस्टिक डिल्यूजन के नाम से हम जानते हैं। कुछ बच्चों ने सिर्फ यही क्लास ली है और पिछली क्लासेस नहीं ली, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, आप सोच रहे हो सर ने पढ़ाया नहीं, तो पिछली जो क्लासेस है दो वो जाके देखो, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक ऐसा थॉट का डिसऑर्डर जिसके अंदर पेशेंट जो है वो संसार के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, संसार उसके चारों तरफ है क्या है नहीं मानता, किसको मानता, उसका ब्रेन है वो भी नहीं मानता, तो नीलिस्टिक डिल्यूजन कहलाता है। एक ऐसा डिल्यूजन जिसमें उसको ऐसा लगता है कि दूसरे पीपल जो हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ए फॉल्स बिलीफ इन विच पेशेंट थिंक्स दैट ही इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय अदर पीपल इज नोन है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो रैशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ हाई प्लेस इज नोन एज, ठीक है, हाई प्लेस का जो फियर होता है दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम एक्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। हाइट का जो डर होता है ना वो एक्रोफोबिया कहलाता है, जैसे एक्रोसाइनोसिस, तो आपके जो डिस्टल जो पार्ट होते हैं उसकी साइनोसिस एक्रोसाइनोसिस कहलाती है। ठीक है, स्ट्रेंजर्स का फियर जीनोफोबिया कहलाता है, ओपन प्लेस का क्या कहलाता है, एग्रोफोबिया। क्वेश्चन सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एन अनप्लीजरेबल रिएक्शन टू एन इमेजिन डेंजर, ठीक है, मतलब सच में डेंजर प्रेजेंट है नहीं दोस्तों, लेकिन इमेजिन कर लिया, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, एंजाइटी के नाम से जानेंगे। अगर रियल होता तो रियल बरोबर फियर, रियल बरोबर मैंने आपको क्या लिखाया था, फियर लिखाया था, लेकिन ये रियल नहीं है, उसने सिर्फ क्या किया है, इमेजिन किया है, कल्पना की है इसकी, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एंजाइटी कहलाएगा। अपैथी का मतलब बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी अफेक्ट नहीं है। एम्बिवेलेंस का मतलब एक ही चीज के प्रति सेम टाइम पे दो फीलिंग होना, सेम वही आ गया इसमें, अनप्लेजरेबल रिएक्शन होगी जिसके अंदर जो पेशेंट है वो रियल पे या थ्रेटेड सिचुएशन के ऊपर डर लगता है, तो रियल बरोबर फियर, रियल बरोबर फियर। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल जो वर्ड है ना आपके दिमाग में घुसे हैं वो आपके क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे, आपको गलती नहीं करोगे आप ऐसे, है ना। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक अफेक्ट का डिसऑर्डर नहीं है, तो इलेशन हमने पढ़ा था प्लीजरेबल अफेक्ट के अंदर, यूफोरिया इलेशन एक्जल्टेशन और एक्टेसी हमने पढ़ा था, डिप्रेशन और ग्रिप पढ़ा था अनप्लीजरेबल के ऊपर हमने, ग्रिप भी हमने पढ़ा था अनप्लीजरेबल में, और हेल्यूसिनेशन किसका डिसऑर्डर है दोस्तों, परसेप्शन का डिसऑर्डर है, अफेक्ट का डिसऑर्डर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेल्यूसिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे मेमोरी का आ गया, ये मेमोरी का है, ये भी मेमोरी का है, ये टेंशन का है। क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए थॉट डिसऑर्डर, कि इनमें से कौन सा एक थॉट डिसऑर्डर नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों थॉट का, हाइपोकॉन्ड्रेसिस हमने पढ़ा था, हाँ जी है, किसके अंदर पढ़ा था, कंटेंट लेवल के अंदर पढ़ा था, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हमने पढ़ा था, ठीक है,
प्रोग्रेसिव लेवल के अंदर पढ़ा था, टेंजेंटिलिटी भी पढ़ा था। एमनेसिया किसका डिसऑर्डर है दोस्तों? मेमोरी का डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर जो मेमोरी है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो उसे हम एमनेसिया के नाम से जानते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज से क्या फर्क पड़ता है वो आपको आना चाहिए। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर थॉट जो है वो आदमी के माइंड में प्रवेश करते हैं, लेकिन वो ऐसे सोचता है कि ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आने चाहिए, बार बार वो कोशिश करता है उनको बाहर निकालने की, क्या कहलाते हैं? ऑब्सेशन कहलाते हैं। ऐसे थॉट क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऑब्सेशन कहलाते हैं। फॉल्स फिक्स्ड इरेशनल अनशेकेबल बिलीफ ये कहलाती है, ठीक है? ये दोनों डिफेंस मैकेनिज्म है, तो इस क्वेश्चन को वैसे ही हमें नहीं करना। ये कॉन्शियसनेस का हो गया, ये भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि इल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, इल्यूजन किस चीज का डिसऑर्डर है? तो बताओ किस चीज का डिसऑर्डर है इल्यूजन? तो इल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन दोनों किसके डिसऑर्डर है दोस्तों? परसेप्शन के डिसऑर्डर है। वापस नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, हेल्यूसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, हेल्यूसिनेशन किस चीज का डिसऑर्डर है? तो परसेप्शन का है, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन से फर्क पड़ता है दोस्तों, देखो क्वेश्चन करोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। परसिवरेशन किस चीज का डिसऑर्डर है? तो बताओ, मैंने परसिवरेशन किसका बताया था आपका? थॉट का बताया था आपको मैंने, किसका बताया? थॉट का बताया। कैटालेप्सी को और किस किस नाम से जानते हैं? कैटालेप्सी को किस किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं इसको, हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं। तो सीरिया और वैक्सी दोनों बोलते हैं, तो बोथ बी एंड सी। मैनरिज्म जो होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? मूवमेंट होता है, ठीक है? मूवमेंट का रिपीटेशन होता है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? मैनरिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिसऑर्डर एक्टिविटी जिसके अंदर पर्सन है कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है एक पोजीशन को, तो पोजीशन को मेंटेन करेगा दोस्तों तो वो क्या कहलाएगा? तो पोजीशन को अगर मेंटेन करता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? कैटालेप्सी कहलाता है, कैटाप्लेक्सी लिख दिया मैंने इसमें ना, कैटालेप्सी कहलाता है, ठीक है? मैनरिज्म के अंदर क्या करता है? मूवमेंट को करता है। वर्बिग्रेशन के अंदर स्पीच से रिलेटेड है, तो ये मैंने आपको समझाया कि जो वर्ड्स हैं स्पीच है उनको रिपीट करता है। और जो नेगेटिविज्म है, जो उसको बोलोगे जस्ट उसका क्या करेगा? ओपोजिट करेगा, ठीक है? उसको कहोगे आंखें खोलो, आंखें बंद कर लेगा, ठीक है? उसको कहोगे कि फिस्ट को खोलो, फिस्ट को खोलो, फिस्ट को जोर से बंद कर लेगा, तो वो क्या कहलाता है? नेगेटिविज्म कहलाता है। देखो, ए डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल रिपीटेडली टचेज द नेक और लिफ्ट द शोल्डर। बार बार मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था कि बार बार टच करेगा, ये करेगा, ठीक है? तो वो क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द मूवमेंट, क्या कहलाता है? मैनरिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मैनरिज्म, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, पहली चीज सुनो, उसमें मोटर एक्टिविटी बता दिया उसने कि ए डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच देर इज फ्रीक्वेंटली रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंस, कि वर्ड्स और जो सेंटेंस हैं उनका फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा है दोस्तों? रिपीटेशन हो रहा है, वर्बिग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्बिग्रेशन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी किया है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर प्रॉब्लम वुड सजेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन लीजन, ठीक है? ऑर्गेनिक ब्रेन लीजन के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, या ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर? आपको मैंने जो डिमेंशिया करवाया है ना, उसके अंदर मेनली कौन सा प्रेजेंट होता है बताओ? ऑर्गेनिक के अंदर तो हमने पढ़ाया, इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है दोस्तों? विजुअल प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है? विजुअल हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है। सिज़ोफ्रेनिया पूछेगा तो क्या आएगा? ऑडिटरी आएगा। सिज़ोफ्रेनिया पूछेगा तो ऑडिटरी आएगा। क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, कि पेशेंट है एक रोप को देखता है और डर जाता है कि वो स्नेक है, तो ये किस चीज़ का साइन है, ठीक है? तो ये किस चीज़ का साइन है दोस्तों? इल्यूजन का है ये। किसका है? इल्यूजन का है। हेलुसिनेशन के अंदर क्या रहता है? स्टिमुलाई एब्सेंट रहता है। ये क्वेश्चन देखो, एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन है ये, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हेलुसिनेशन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज एज विविड एज ए रियल परसेप्शन। शर्त लिखाई हुई है मैंने, कैसा लगना चाहिए? बिल्कुल रियल की तरह लगना चाहिए। हाँ जी, होता है। इट अकर्स इन इनर सब्जेक्टिव स्पेस। देखो क्या लिखा हुआ है, इनर सब्जेक्टिव स्पेस के अंदर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विल ऑफ ऑब्जर्वर, कि भाई जो ऑब्जर्वर जो है ना दोस्तों, उससे क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि इंडिपेंडेंट मतलब ये है कि वो चाहेगा कि भाई नहीं हो तो भी होगा, ठीक है? उसको पता नहीं रहता है, तो ये भी होता है। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी परसेप्चुअल स्टिमुलस। हाँ भाई, कोई भी जो परसेप्चुअल जो स्टिमुलस है दोस्तों, वो इसके अंदर क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। हाँ जी, ये तो इसके अंदर इट अकर्स इन इनर सब्जेक्टिव स्पेस। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों
कि हेल्यूसिनेशन जो होता है ना आउटर में होगा, किसके अंदर होगा, आउटर स्पेस के अंदर होगा, आपको मैंने अच्छे से लिखाया हुआ है, किसके अंदर होगा, आउटर स्पेस के अंदर होगा, इनर के अंदर नहीं होगा। आउटर अगर इनर के अंदर होता है तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, स्यूडो हेल्यूसिनेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि इट अकर्स इन इनर सब्जेक्टिव स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्म्ड विजुअल हेल्यूसिनेशन जो होते हैं ना वो कौन से लीजन के अंदर होते हैं, तो मैंने आपको अच्छे से करवाया, टेम्पोरल लोब के जो लीजन होते हैं उसके अंदर विजुअल जो हेल्यूसिनेशन है वो उसके प्रेजेंट होते हैं, टेम्पोरल लोब लीजन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, लो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, अच्छे क्वेश्चंस है। व्हेन इज हिप्नोपोम्पिक फिनोमिना एक्सपीरियंस, तो हिप्नोगोगिक जाते हैं तब, हिप्नोपोम्पिक नींद से वापस आते हैं तब, उठते हैं तब, तो एट द बिगिनिंग ऑफ स्लीप, नहीं, एट द एंड ऑफ स्लीप वाइल गेटिंग अप, ठीक है, तो यही आएगा कि जब उठते हैं तब। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हेल्यूसिनेशन विच अकर एट द स्टार्ट ऑफ स्लीप, जब नींद स्टार्ट होती है तब, तो कौन सा आएगा दोस्तों, हिप्नोगोगिक। क्वेश्चन है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोटार डिसऑर्डर सिम्टम्स एक्सेप्ट, कि इनमें से सब मोटार डिसऑर्डर के सिम्टम है एक्सेप्ट, तो एक्टिविटी के मैनरिज्म है, हाँ जी है, मैनरिज्म को हमने पढ़ा है, ठीक है, स्टीरियोटाइप मूवमेंट मैनरिज्म ही होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, सीरियल फ्लेक्सिबिलिटी या कैटालेप्सी, तो ये भी होता है, इल्यूजन किसका डिसऑर्डर है दोस्तों, परसेप्शन का, इल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। क्वेश्चंस करोगे ना तो हर चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। ये देखो, रैपिडली प्रोड्यूस्ड स्पीच, पूरी स्पीच है ये, सिर्फ दो सेंटेंस नहीं है, ये ध्यान रखना, जिसके अंदर क्या होता है कि अब्रप्टली शिफ्ट होता है पर्सन एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर, यूजिंग एनवायरमेंटल क्लूज, इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाता है, शिफ्ट करता है और रैपिडली करता है, देखो, ठीक है, अब्रप्ट शिफ्ट मतलब रैपिडली शिफ्ट कर रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसको मैंने आपको क्या लिखा था, फ्लाइट ऑफ आइडियाज बताया था। डीरेलमेंट का मतलब क्या होता है कि देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू सेंटेंस, दो जो सेंटेंस है उनके बीच में क्या नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एब्रप्टली शिफ्ट हो रहा है एक से दूसरे टॉपिक के ऊपर, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, फ्लाइट ऑफ आइडियाज के नाम से जानेंगे, जो कि मैनिया लाइक जो डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होता है। देखो, द हेल्यूसिनेशंस विच आर एक्सपीरियंस आउटसाइड द सेंसरी फील्ड लिमिट, अपनी फील्ड लिमिट से बाहर जाकर जो हेलुसिनेशन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशंस के नाम से उसे जानते हैं, क्योंकि आउटसाइड फील्ड लिमिट से भी क्या हो रहा है दोस्तों, बाहर हो रहा है, तो लिमिट से बाहर हो रहा है, ये याद रखो, बस एक वर्ड याद रख लो कि लिमिट से बाहर है तो एक्स्ट्रा कैंपाइन है। क्वेश्चन है कि विच इज द कॉमनेस्ट मोडलिटी ऑफ द हेल्यूसिनेशन विच इज प्रेजेंट इन सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन कौन सा होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको यही करवाया था, ऑडिटरी होता है, क्या होता है दोस्तों, ऑडिटरी होता है। तो दोस्तों ये सारे डिसऑर्डर हैं, ये सारे एमसीक्यूज हैं जो हमने पढ़ा, वो आता है आपका डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे, काफी लंबी क्लास हो गई हमारी, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक खत्म हो जाए, ताकि अगली जो हमारी क्लास हो ना वो बहुत अच्छा टॉपिक हम उसके अंदर पढ़ेंगे, जिस चीज़ को आप भूलते हो ना उसके बारे में पढ़ेंगे, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ बने रहो, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है टर्मिनोलॉजी, बहुत बड़ा पार्ट है, अगर मैं तीन क्लास में करवा रहा हूँ तो सिर्फ आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम क्या न हो, खराब न हो, और जल्दी से जल्दी आपके ज़्यादा टॉपिक क्या हो दोस्तों, खत्म हो। तो आपके सामने डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होगा दोस्तों कि आपको, आप किसी भी चीज़ के प्रति क्या हो, आपका माइंड क्लियर है, क्लियर माइंडनेस है, आप ओरिएंटेड बिल्कुल हो, कोई भी स्टिमुलाई है उससे आप क्या हो दोस्तों, स्टिमुलेट होते हो, जैसे आपको मान लो सुई चुभी तो आप स्टिमुलेट हो गए, कोमा वाला पेशेंट नहीं होगा, क्लियर माइंडनेस है, आपको हर चीज़ प्रेजेंट है कि आपके दिमाग में भाई टाइम क्या है, समय क्या है, प्लेस क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें क्या कहलाता है आपका, कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो हम डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस में हम पढ़ेंगे सबसे पहला क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, एक मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें कंफ्यूजन, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे स्टूपर, पढ़ेंगे पहले स्टूपर, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कोमा, फिर एक हम पढ़ेंगे कोमा विजिल, कोमा
विजन, फिर एक मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें ड्रीम स्टेट, और एक मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा डेलीरियम। ठीक है, सात चीज़ें पढ़ेंगे, फिर आपको बस 10 मिनट और लूँगा उसके बाद में। मैं ये जब खत्म हो जाएगा कॉन्शियसनेस, फिर हमारा टॉपिक लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। मुझे पता है बहुत लंबी क्लास हो गई, लेकिन आप मेरे साथ बने रहो। पहला है दोस्तों क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के ऊपर बादल छा जाना क्या कहलाता है? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। अब आप कैसे तो कहोगे कि बादल वैसे छा जाएंगे, तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं। मतलब कॉन्शियसनेस के अंदर, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को हम, इसको हम मेंटल फॉग बोल रहा हूँ, और ब्रेन फॉग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, धुंध दिमाग के ऊपर या ब्रेन के ऊपर क्या छा जाना, धुंध छा जाना क्या कहलाता है दोस्तों? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस की जो डिसऑर्डर है उसके अंदर पहली जो स्टेज आती है वो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ही आती है। पहली जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है आपकी? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ही आती है पहली स्टेज। अब मेंटल फॉग और ब्रेन फॉग भी इसको कहते हैं कि भाई क्या चढ़ गया, फॉग आ गया आपके ऊपर, दिमाग पे बादल छा गया। अब ये सब चीज़ें तो बताने के लिए हो गई, अब समझाने के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? इट इज जस्ट लाइक कन्फ्यूजन फॉर शॉर्ट पीरियड, बट फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, कन्फ्यूजन की जैसी स्टेट है दोस्तों, लेकिन किसके लिए है? थोड़े से कम समय के लिए है। कन्फ्यूजन क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस से थोड़ा सा क्या रहता है, ज़्यादा समय रहता है। अब कन्फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि आदमी क्या हो जाता है दोस्तों, कन्फ्यूज होने का मतलब ये है कि उसको क्या हो दोस्तों, एबनॉर्मलिटी हो इस चीज़ में कि टाइम प्लेस जो पर्सन है ना, उसको जानने में उसको क्या हो जाती है दोस्तों, प्रॉब्लम हो जाती है। वो एकदम से किसी को देखेगा और कहेगा यार आपको देखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा आप कौन हो। तो ये क्या है दोस्तों? कन्फ्यूजन है। यार अभी कितना बज रहे होंगे, 2 बज रहे हैं कि 3, आपको कन्फ्यूजन है। ठीक है, कौन सी जगह पे खड़ा हूँ यार मैं, इस कौन से चौराया है, ये क्या है? कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन ही होना, बट थोड़े से कम समय के लिए होना, क्या कहलाता है दोस्तों? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरी डेफिनेशन और याद रख लो, एबसेंस ऑफ क्लियर माइंडनेस। भाई आपका जो दिमाग है ना, जितना पूरा कॉन्शियसनेस होना चाहिए ना पूरा, वो नहीं रह पाए, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? क्लियर माइंडनेस के नाम से, एब्सेंस ऑफ क्लियर माइंडनेस के नाम से जानेंगे। भाई आपका माइंड पूरी तरह से ओरिएंट हो, हर चीज़ हो, पूरा कॉन्शियस हो, क्लियरली हो आपका माइंड हर चीज़ के लिए, कोई किसी प्रकार का वो कन्फ्यूजन नहीं हो, तो वो क्लियर माइंडनेस कहलाएगा। लेकिन वो चीज़ अगर नहीं है तो क्या कहलाता है? एब्सेंस ऑफ क्लियर माइंडनेस फॉर शॉर्ट पीरियड इज नोन एज क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं। तो हमने एक पढ़ लिया, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कन्फ्यूजन। तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए था, और वो थोड़े ज्यादा समय के लिए होगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके अलावा कन्फ्यूजन के अंदर टाइम टीपीपी, टाइम प्लस जो पर्सन है उसके प्रति भी पर्सन क्या हो जाता है दोस्तों? डिसओरिएंट हो जाता है। उसके प्रति क्या हो जाता है दोस्तों? डिसओरिएंट हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? कन्फ्यूजन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कन्फ्यूजन कहलाता है। पेशेंट ऐसे नहीं कि कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस रहता है, इसमें भी कॉन्शियस रहता है, स्टूपर में भी कॉन्शियस रहता है, कोमा में कॉन्शियस नहीं रहता। तो कन्फ्यूजन में क्या होगा? टाइम प्लेस और पर्सन के प्रति कुछ समय के लिए क्या होना दोस्तों? डिसओरिएंट होना। आपको पता नहीं कि क्या समय हो रहा है, कन्फ्यूज हो गए आप, क्या प्लेस है, कन्फ्यूज हो गए आप, कौन कौन आदमी है, कन्फ्यूज हो गए आप, क्या कहलाएगा? कन्फ्यूजन कहलाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों स्टूपर। तो स्टूपर के लिए एक वर्ड याद रखना आप, बस वहीं से काम चल जाएगा। स्टूपर का मतलब होता है म्यूट एंड मोशनलेस। मतलब आदमी क्या रहेगा दोस्तों? म्यूट रहेगा, बोलेगा नहीं और कोई मूवमेंट नहीं करेगा, चुप रहेगा बहुत कम। ठीक है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? स्टूपर के नाम से जानते हैं। अब ये कोमा से कैसे डिफरेंट है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कोमा का पर्सन भी म्यूट रहता है और मोशनलेस रहता है। तो ये कोमा से तो क्या है दोस्तों? डिफरेंट है। तो कोमा से किस प्रकार से डिफरेंट है ये? एक तो देखो इसके अंदर पेशेंट क्या रहता है? कॉन्शियस रहता है। ऐसे नहीं कि कॉन्शियस नहीं रहता, कोमा के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता, तो कॉन्शियसनेस इज रिटेन्ड, कॉन्शियसनेस बनी रहती है। और दूसरा दोस्तों कि जब उसको पेनफुलाई जो स्टिमुलाई देंगे ना, तो पेनफुल जो स्टिमुलाई है वो उसको फील करेगा, उससे क्या होगा दोस्तों? उसके अंदर अराउजल आएगा, एकदम से उठेगा। अगर उसके आपने पिन जोर से चुबो दी तो वो क्या हो जाएगा? एकदम से जैसे म्यूट और मोशनलेस था, तो एकदम से वो क्या होगा दोस्तों? रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? रिएक्टिव टू पेनफुल स्टिमुलाई। कोमा के पेशेंट को आपसे कुछ भी चुबो लो, कुछ भी शरीर काट दो, कुछ भी कर लो, वो नहीं उठेगा। लेकिन यहां पर
जो पेशेंट है दोस्तों वो क्या रहेगा, रिएक्टिव रहेगा पेनफुल स्टिमुलाई से, क्या रहेगा पेनफुल स्टिमुलाई से रिएक्टिव रहेगा, ये ध्यान रखना मेन। आप उसके अगर पिन चुभोगे तो उसके अंदर जरूर क्या होगा दोस्तों, कोई भी ना कोई क्या होगा मूवमेंट होगा, जबकि कोमा में ऐसा नहीं होगा। तो ये है स्टुपर, ये लाइन जरूर याद रखना, क्वेश्चन सीधा आता है म्यूट और मोशनलेस कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों स्टुपर कहलाता है। कॉन्शियसनेस अगर इसमें बनी रहती है, ऐसे नहीं है कि भाई कॉन्शियस नहीं है तभी तो उसने पिन चुभाया, और दूसरा रिएक्टिव टू पेनफुल स्टिमुलाई, तो पेनफुल जो स्टिमुलाई है उसके प्रति क्या करता है वो रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों स्टुपर कहलाता है। अराउजल पाया जाता है उसके अंदर, अगर उठाओगे तो वो एकदम से जग जाएगा, मतलब कि पेनफुल स्टिमुलाई लगाओगे तो एकदम से वो रिएक्टिव दिखाएगा, अराउजल दिखाएगा, ठीक है, तो वो स्टुपर कहलाता है। स्टुपर के बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों कोमा। तो कोमा क्या है, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, इसके अंदर कॉन्शियस नहीं है पर्सन बिल्कुल भी, तो स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, पेनफुल जो स्टिमुलाई है उससे भी पर्सन क्या रहेगा, नॉन रिएक्टिव रहेगा, उसे कोई रिएक्ट नहीं दिखाएगा वो, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, उस स्टेज को हम दोस्तों कोमा के नाम से जानेंगे, उसे हम किस नाम जानेंगे, कोमा के नाम से जानेंगे। अब आपसे कुछ चार स्टेज पूछे और उनका सिक्वेंस पूछे तो आप कैसे बताओगे, चार स्टेज आपको दे दे और उनका सिक्वेंस पूछ ले आपसे, तो आपको कैसे सिक्वेंस बतानी है ये देख लो एक बार। तो पहले क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस बताओगे, फिर कन्फ्यूजन बताओगे, फिर स्टुपर बताओगे, फिर क्या बताओगे कोमा बताओगे, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लिखाया है उसी सीक्वेंस में आपको क्या रखना है, इसको याद रखना है। कोमा विजिल में और कोमा में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोमा का अगर पेशेंट है कोमा विद ओपन आई, अगर कोमा के पेशेंट के आईज क्या है दोस्तों ओपन है तो वो क्या कहलाता है, कोमा विजिल कहलाता है। कोमा का पेशेंट हो और आई ओपन हो क्या कहलाएगा, कोमा विजिल कहलाएगा। तो आई जिसकी ओपन रहती है ना उस पेशेंट के अंदर ध्यान रखना केयर करने की ज्यादा जरूरत होती है, कोमा से भी ज्यादा कोमा विजिल में, क्यों, आई ओपन है तो क्या होगा दोस्तों, आई ओपन एयर मूवमेंट होगा, एयर मूवमेंट होगा तो आईज के ऊपर एयर जाएगी, आईज क्या होंगी दोस्तों डिहाइड्रेटेड होंगी, डिहाइड्रेटेड होगी तो मोर चांसेस ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्निया के अल्सरेशन के चांसेस क्या होंगे ज्यादा होंगे। अब कॉर्नियल के अल्सरेशन ज्यादा चांसेस होंगे तो एज ए स्टाफ नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का केयर करना आपकी क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोमा विजिल पेशेंट नीड मोर केयर एज कंपेयर टू कोमा पेशेंट, ठीक है, कोमा विजिल में ज्यादा बस कोमा है साथ में ओपन आईज है, ज्यादा केयर देने की उसको क्या है दोस्तों जरूरत है। तो ड्रीम स्टेट क्या है, ड्रीम स्टेट कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली में ड्रीम स्टेट का मतलब ये है कि पेशेंट क्या है दिन के अंदर उसको खड़े खड़े ही क्या आने लग जाए, ड्रीम्स आने लग जाए, सोचने लग जाए, खो जाए कुछ समय के लिए, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, ड्रीम स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो जाती है और पेशेंट क्या करता है ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, ड्रीम स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ड्रीम स्टेट, डेलीरियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हम डेलीरियम और डिमेंशिया के बारे में जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें हमारे डेलीरियम और डिमेंशिया भी हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या क्या याद रखना है। डेलीरियम के अंदर क्या होगा दोस्तों, एक तो होगा क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, एक अटेंशन का डिसऑर्डर होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा क्लाइंट, अटेंशन में क्या होगा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, अटेंशन बना नहीं पाता है डेलीरियम का क्लाइंट। एक इसके अंदर परसेप्शन का डिसऑर्डर होगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सॉरी विजुअल हेलुसिनेशन, हमने डेलीरियम के अंदर पढ़ा है ना विजुअल हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है, और सिज़ोफ्रेनिया में ऑडिटरी हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों, इमोशन से रिलेटेड, इमोशंस फीलिंग अफेक्ट के डिसऑर्डर भी क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसको ये सिक्वेंस है, इसको भूल मत जाना और इसको एक जगह लिख लेना, कहीं मिलेगा नहीं आपको, इतनी बढ़िया ट्रिक है ये, इससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डेलीरियम किस चीज़ का डिसऑर्डर है, तो ये ध्यान रखना है कि जो डेलीरियम है दोस्तों वो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है, किसका डिसऑर्डर है, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, अटेंशन की प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्लाइंट, परसेप्शन की विजुअल जो हेलुसिनेशन है वो प्रेजेंट होता है, और इमोशंस और अफेक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, डेलीरियम बनाती है, एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है, बस इतनी डिटेल पढ़ ली बहुत है। तो एक बार मैं दोबारा से एक बार इनको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो फिर ये टॉपिक भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर क्या होगा दोस्तों, मेंटल फॉग आ जाएगा, ब्रेन फॉग आ जाएगा, क्लियर माइंडनेस क्या हो जाएगा थोड़ी देर के लिए एब्सेंट हो जाएगा, और इससे जो कन्फ्यूजन है उससे थोड़ा सा कम समय का होता है। कन्फ्यूजन में टीपीपी क्या हो जाएगा, पर्सन डिसओरियंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टुपर, स्टुपर के अंदर क्या होगा, म्यूट एंड मोशनलेस, बस एक बार याद रख लो, कोमा में याद रखना अनकॉन्शियस और पेनफुल स्टिमुलाई से क्या रहेगा, नॉन रिएक्टिव रहेगा बस। कोमा विजिल में कोमा विद ओपन आईज, ड्रीम स्टेट स्टेट ऑफ ड्रीमिंग ड्यूरिंग डे टाइम और विदाउट स्लीपिंग, ठीक है। और डेलीरियम के अंदर आपको याद रखना है कैप, सी ए पी ई। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अगर हैं तो उनको देख लेते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए आज हमने। देखो आ गया क्वेश्चन, मैंने कहा था एक लाइन याद रखना बस हो जाएगा। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेंस मोशनलेस एंड म्यूट, कौन सा होता है दोस्तों बताओ? स्टूपर होता है, बस कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये लो स्टूपर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है कि डेलीरियम किस चीज का डिसऑर्डर है, बताओ किसका है डेलीरियम? कॉन्शियसनेस का है, तो डेलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। इनमें से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो कि कॉन्शियसनेस का नहीं है? स्टूपर पढ़ाया है मैंने आपको, स्टूपर के बारे में बात की है हमने, कंफ्यूजन के बारे में बात की हमने, कोमा के बारे में बात किया, क्या हेलुसिनेशन के बारे में बात की है हमने यहाँ? नहीं, किसमें की थी? परसेप्शन में। तो इसका आंसर हेलुसिनेशन हो जाएगा। शायद हो गए, बस अब उसमें है नहीं इसे, ठीक है। तो ये सारे हमने डिसऑर्डर पढ़ लिए, अब हमारे पास बस बहुत ही कम बचा है, छोटी सी क्लास है, 10 मिनट और दे दो बस आप मुझे, अब ज़्यादा 10 मिनट ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ा टॉप सी एम जिया, टॉप सी एम जिया। तो टी फोर हमने थिंकिंग पढ़ ली, हाँ सर पढ़ ली हमने। ओरिएंटेशन पढ़ लिया, हाँ जी हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमने परसेप्शन पढ़ लिया, पढ़ लिया, लेकिन ओरिएंटेशन हम पढ़ेंगे अभी, थोड़ा सा मैंने आपको वैसे बताया था। तो टीपीपी है ओरिएंटेशन से रिलेटेड भी होता है, ठीक है। कॉन्शियसनेस का पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया। मेमोरी का पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया। जजमेंट का पढ़ लिया, नहीं सर नहीं पढ़ा। और इनसाइट का पढ़ लिया, नहीं सर नहीं पढ़ा। अटेंशन का पढ़ लिया, जी सर नहीं पढ़ा। चलो पढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इनसाइट की बात करते हैं, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उस मैं उस सीक्वेंस से बता रहा हूँ आपको, है ना। इनसाइट के अंदर बस दो चीज़ें ध्यान रखना। इनसाइट का मतलब क्या होता है कि पेशेंट इज अवेयरनेस ऑफ पेशेंट इलनेस इज नोन एज इनसाइट कि पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में पता है या नहीं है, उसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों? इनसाइट के नाम से जानेंगे। इनसाइट के अकॉर्डिंग दो प्रकार के डिसऑर्डर हो सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। एक होता है न्यूरोटिक और एक होता है साइकोटिक। न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, उसके अंदर पेशेंट की इनसाइट प्रेजेंट है, मतलब कि पेशेंट को पता रहता है कि भाई मुझे क्या है डिसऑर्डर है। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, पेशेंट को पता है कि मुझे एंजाइटी है, ठीक है। पेशेंट खुद की देखभाल भी कर सकता है, खुद की केयर कर सकता है, पेशेंट हाइजेनिक रह सकता है। तो ये सब चीज़ें किस में प्रेजेंट होंगी दोस्तों? न्यूरोटिक में प्रेजेंट होगी। साइकोटिक क्या होगा, या न्यूरोसिस भी बोलते हैं इसको, साइकोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। साइकोटिक में क्या होगा दोस्तों, पेशेंट को प्रेजेंट पता ही नहीं है, उसकी इनसाइट क्या होती है, एब्सेंट होती है, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं दोस्तों, मैं क्या हूं, बीमार हूं, उसको नहीं पता कि मुझे इलनेस है, मुझे ये हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस नाम जानेंगे, साइकोसिस के नाम जाने। तो साइकोसिस के जो पेशेंट हैं वो खुद की हाइजीन भी नहीं रख सकते, उनको पता ही नहीं है मैं क्या गलती कर रहा हूँ, न नहाएगा न धोएगा न सही तरह से रह पाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो डिसऑर्डर हैं वो क्या कहलाते हैं, साइकोसिस कहलाते हैं, बस खत्म। इनसाइट इतना ही है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट अटेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, टाइम पे, सिचुएशन पे कुछ समय के लिए फोकस करना, क्या कहलाता है दोस्तों? अटेंशन कहलाता है। आप पढ़ते हो, हाँ भाई मेरा अटेंशन बना हुआ है, आप कहीं खो जाते हो, तो वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रैक्शन कहलाता है। तो एक तो है डिस्ट्रैक्शन, तो बस क्वेश्चन ये आता है कि डिस्ट्रैक्शन इज द डिसऑर्डर ऑफ, किसका है? अटेंशन है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाती है दोस्तों, एबनॉर्मलिटी या लॉस ऑफ अटेंशन लिख लो। अटेंशन किसी भी पर्सन का नहीं रह पाए, अटेंशन के लिए कोई टाइम पीरियड डिसाइन नहीं है दोस्तों। किसी चीज़ में हमें सिर्फ एक मिनट के लिए अटेंशन देना होता है, किसी के लिए हम पढ़ते टाइम मान लो एक घंटे तक भी चाहिए हमें, तो ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इतनी देर तक आपको अटेंशन रखना है, सबका अलग अलग होता है। तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि लॉस ऑफ अटेंशन हो गया, तो उसे हम किस नाम जानेंगे? एक और होता है ADHD डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। एक ये पढ़ लो, एक दूसरा ये पढ़ लो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बच्चों के अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है मेनली,
बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, उनके पास अटेंशन रहता नहीं है लेकिन हाइपर एक्टिव रहते हैं, तो एक साथ कई सारे काम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे लेकिन कंप्लीट किसी काम को नहीं कर पाएंगे। क्यों? कंप्लीट तो तब होगा जब क्या होगा दोस्तों, अटेंशन होगा। ठीक है, साइंस भी पढ़ने लग जाएंगे, इसका भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया, इसका भी स्टार्ट कर दिया, इधर उधर घूमेंगे, इधर फिरेंगे लेकिन काम पूरा नहीं करेंगे। अटेंशन तो नहीं रहेगा लेकिन साथ में अटेंशन के साथ क्या आ जाए, बिना अटेंशन के गायब होने के साथ में हाइपर एक्टिविटी आ जाए और कई सारे काम आदमी स्टार्ट कर ले लेकिन खत्म नहीं कर पाए, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ADHD के नाम से जानते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बाद है जैसे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का कुछ नहीं है दोस्तों, ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि नोइंग द राइट TPP, आपको अगर टाइम प्लेस और पर्सन जो है उसका पता होता है सही तरह से, तो उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। ओरिएंटेशन में कॉन्शियसनेस बनी रहती है, जबकि कंफ्यूजन में क्या होता है, ये चीज़ें भी नहीं रहती, साथ में जो क्लियर माइंडनेस है वो भी नहीं रहता है। ठीक है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस में कुछ समय के लिए क्लियर माइंडनेस नहीं रहेगा और इसमें ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। ओरिएंटेशन के अंदर कॉन्शियसनेस तो बनी रहती है, अगर डिसओरिएंटेशन की हम बात करें तो इसका जो डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, डिसओरिएंटेशन। तो डिसओरिएंटेशन के अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है कन्फ्यूजन में, इसमें कन्फ्यूजन के अंदर क्या होता है दोस्तों, डिसओरिएंटेशन प्लस, ठीक है, जो क्लियर माइंडनेस है वो नहीं रहता है, कॉन्शियसनेस क्लियरली नहीं रहती है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस तो रहता है, आदमी कॉन्शियस रहता है पूरी तरह से, बट बस उसको किस में प्रॉब्लम होती है, टाइम प्लेस और पर्सन के अंदर क्या रहती है दोस्तों, प्रॉब्लम होती है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, डिसओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं, बस खत्म। लास्ट है जजमेंट, जजमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, कि भाई सही और गलत की पहचान करना, क्या कहलाता है, जजमेंट कहलाता है, कि पेशेंट नोज व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज गुड फॉर हिम, इट इज नोन एज जजमेंट, या एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू नो, डिजीज नहीं है ये, डिजीज से रिलेटेड नहीं, डिजीज को पता ही नहीं होता, खुद के बारे में जानना, व्हाट इज गुड और व्हाट इज रॉन्ग, बस उसको ये पता हो कि कोई चीज सही है या गलत है, उस चीज़ का पता हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जजमेंट के नाम से जानते हैं, उसे हम किस नाम जानते हैं, जजमेंट के नाम से जानते हैं। तो हमने सारे पढ़ लिए, थिंकिंग पढ़ लिया, ओरिएंटेशन पढ़ लिया, परसेप्शन पढ़ लिया, कॉन्शियसनेस पढ़ लिया, मेमोरी पढ़ ली, इनसाइट पढ़ लिया, ठीक है, जजमेंट पढ़ लिया और अटेंशन पढ़ लिया, सारे डिसऑर्डर पढ़ लिए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, शायद इनसे रिलेटेड भी हैं दो चार क्वेश्चन, जो अटेंशन और ये है ना, इनसे रिलेटेड भी दो चार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि इन विच फॉलोइंग विच इज द डिसऑर्डर ऑफ द अटेंशन, कि इसमें से अटेंशन का डिसऑर्डर कौन सा है, तो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डिस्ट्रैक्ट होना, मैंने आपको बता दिया, दो पढ़ाए मैंने आपको, एक डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बताया मैंने आपको और एक क्या बताया, ADHD, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मुझे लगता नहीं अब इसमें कोई क्वेश्चन होगा, बट फिर भी हम चेक करते हैं, कोई क्वेश्चन बने तो अच्छी बात है, शायद एक जजमेंट का क्वेश्चन और है इसके अंदर, क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन इलनेस, खुद की बीमारी के बारे में पता होना और अवेयर होना क्या कहलाता है दोस्तों, इनसाइट कहलाता है, क्या कहलाता है, इनसाइट कहलाता है, तो इनसाइट का भी क्वेश्चन हो गया एक, बस अब खत्म हो गए क्वेश्चंस। तो ये हमारी क्लास थी, चाहे छोटी मानो चाहे बड़ी मानो, लेकिन ऐसे मान लो इस क्लास में से बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो, बार बार उनको लिखो और बार बार इनको पढ़ो, चार देखो चाहे दो बार देखो, लेकिन जरूर देखो और इसको समझो, ठीक है दोस्तों। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।